अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 7.1 जो है वो तो हमने कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह 7.2 हमने स्टार्ट करनी है। अब देखो बच्चों, जो आप लोगों की बुक में चैप्टर नंबर 6 और 7 है, ये वही है जो पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 7 और 8 हुआ करता था। चैप्टर 7 परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो आप लोगों की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 6 है, और जो पुराने बुक में चैप्टर नंबर 8 होता था मैथमेटिकल इंडक्शन बायनोमियल थ्योरम वाला, वो आप लोगों की बुक में चैप्टर नंबर 7 है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसका इंट्रोडक्शन जरा सुन लो पहले, उसके बाद आपको वजह समझ आएगी मैं क्यों बता रहा हूँ। फिलहाल हम चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, क्योंकि इस लेक्चर में मैंने आपको वो सॉल्व करवाना है, मतलब चैप्टर नंबर 7 सॉल्व करवाना है जो पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 8 था। अब होता यह है कि पुरानी बुक में 5 एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 8 के अंदर, आपकी बुक में चैप्टर नंबर 7 के अंदर 3 एक्सरसाइज है। 8.1 जो होती थी वो आपकी 7.1 है, मोर ऑर लेस वही टॉपिक है, एक सवाल एक्स्ट्रा आपकी बुक में डाला हुआ है न्यू बुक के अंदर। जो 8.2 होती थी वो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4-5 के अंदर वो टॉपिक्स देख लिए थे, तो 8.2 को तो स्किप कर दो। जो 8.3 थी वो न्यू बुक में 7.2 है, एग्जैक्ट वही टॉपिक्स हैं, बल्कि कुछ क्वेश्चन निकाले हैं उन्होंने, लेकिन वही सारे टॉपिक्स हैं, कोई नई चीज नहीं है, वही क्वेश्चंस हैं, वही तरतीब है क्वेश्चंस के भी। जो पुरानी बुक में 8.4 8.5 होती थी वो आप लोगों की बुक में 7.3 है। कितने टॉपिक्स को निकाल के न्यू बुक में उन्होंने इंक्लूड नहीं किया हुआ क्वेश्चंस को, टॉपिक्स तो वही है 8.4 8.5 के, वो 7.3 में सारे टॉपिक्स डाले हैं लेकिन क्वेश्चंस जो है उन्होंने निकाल दिए, तो आपके लिए आसानी कर दी है उन्होंने। अभी मैं बता दे रहा हूं कि लास्ट टाइम मैंने काफी डिटेल में चैप्टर नंबर जो 8 था पुरानी बुक में और जो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 7 है, डिटेल में मैंने इसको अपलोड किया था, टॉपिक्स बताए थे, क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। तो मैंने अपने ऑनलाइन क्लास में बच्चों को बोला कि यार अलग से मैं ये चीज सॉल्व करवाऊं वो मजा नहीं है, जो मैंने डिटेल में ऑलरेडी सॉल्व करवाया है वो काफी फायदेमंद होगा आपके लिए। तो इसके बाद मैं इंशाल्लाह एडिट करके लगाऊंगा। सबसे पहले आप लोग करोगे क्या, 7.2 की थ्योरी समझोगे। 7.2 की थ्योरी में काफी टॉपिक्स हैं, बायनोमियल थ्योरम के बारे में आप पढ़ोगे, फिर बायनोमियल थ्योरम के बारे में छोटी छोटी डिटेल आप सारी समझोगे, उसके बाद कुछ पॉइंट्स होंगे बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड वो समझोगे, फिर जनरल टर्म कैसे निकालनी है वो देखोगे, फिर मिडिल टर्म का क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसके बाद जो आप लोग अभी लेक्चर देखोगे ना, जो इसके बाद लेक्चर स्टार्ट होगा वो डिटेल में थ्योरी होगी 7.2 के। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्या होगा, 7.3 के कॉन्सेप्ट होंगे, सॉरी 7.3 के क्वेश्चन होंगे, 7.2 के टॉपिक जो है बच्चों वो थोड़ा अलग है। अब पहले आपने इस चैप्टर का पहला पोर्शन पढ़ा था मैथमेटिकल इंडक्शन का, रीजन हमने पढ़ी थी क्या क्यों पढ़ते हैं आप ये टॉपिक, किस तरीके से आप ये अप्लाई करते हो। अब दूसरी चीज है बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम क्यों यूज कर रहे हो आप, क्या जरूरत पड़ रही है, अजीब फालतू में टाइम जाया कर रहे हो, अपना सिलेबस बढ़ा रहे हो, क्या वजह किया बायनोमियल थ्योरम पढ़ने की, अच्छा बायनोमियल थ्योरम किस तरह अप्लाई होगा, फिर 8.4 8.5 में आपने बायनोमियल थ्योरम से क्या फायदा उठाया है, क्या मॉडिफिकेशन किया उसके अंदर, सब बातें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो कोई एक्सरसाइज नहीं है इसलिए दैट्स इट, मैं हेडिंग डाल देता हूं बायनोमियल थ्योरम, यही हमने आज की क्लास में पढ़ना है। देखो सबसे पहली बात, आपने अलजेब्रा पढ़ी होगी, अलजेब्रा में आपने एक वर्ड सुना होगा पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल तो आप पॉलीनोमियल का मतलब क्या होता था कि तीन से ज्यादा टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर इस तरह कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, पांच टर्म मैंने यहां पे डिस्कस की नहीं है। तो अगर आप इनको आप टर्म्स कहते हो जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आपने अलग अलग किया उनको, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, आप अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे एक ही टर्म कंसिडर की जाएगी, लेकिन अगर आप इनको एड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो अभी दो टर्म कंसिडर की जाएंगे। तो अगर कोई भी एक टर्म हो, फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब लिखा है, तो उसको आप मोनोमियल कहते हो, मोनोमियल, ठीक है। अगर दो टर्म लिखी हो एडिशन के साथ या सब्ट्रैक्शन के साथ, उसको आप बोलते हो बाइनोमियल, बाई मतलब दो, दो बाइनोमियल। अगर तीन टर्म्स आपके पास लिखी हो, फॉर एग्जांपल जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 जो भी है, तो उसको आप बोलोगे ट्राइनोमियल, ठीक है। अगर इक्वेशन की फॉर्म में तो आप लिखोगे ट्राइनोमियल इक्वेशन, ठीक है। और अगर तीन से ज्यादा टर्म्स होती है, 4 है 5 है 10 है जितनी भी है, तो आप उसके लिए जनरलाइज वर्ड यूज करते हो पॉलिनोमियल, ये आप अभी तक पढ़ चुके हो। तो इसी में से आपने एक चीज पढ़ी थी जिसको आप कहते थे बाइनोमियल, दो टर्म्स आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है उसको आप बाइनोमियल कहते हो। तो ये तो बाइनोमियल के बारे में मैंने पढ़ लिया। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बाइनोमियल गिवन है और कुछ भी पावर उसकी लिखी हुई हो, पावर हो एक्सपोनेंट बोलो या इंडेक्स, अच्छा एक चीज मैं यहां पे क्लियर कर दूं, ये आप तीन वर्ड काफी पढ़ोगे, पावर आपने सुना होगा, इसी तरह आपने एक्सपोनेंट सुना होगा, इसी तरह एक वर्ड रेयर है लेकिन फिर भी शायद आपने सुना हो इंडेक्स, ये तीनों आमतौर पे एक ही मानों में इस्तेमाल होते हैं। और वो माना क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिखा हुआ है ना 2 का क्यूब, तो ये जो 3 होता है इसको आमतौर पे पावर भी बोला जाता है, एक्सपोनेंट भी बोला जाता है, इंडेक्स भी बोला जाता है, आमतौर की बात कर रहा हूं।
ठीक है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक बात करो ना, तो ये दोनों चीजें जो है इनको आप सेम कंसिडर करते हो, आप एक्सपोनेंट बोलो या इंडेक्स बोलो, ये एक ही बात है जो ऊपर लिखा है, लेकिन पावर जो है वो थोड़ी डिफरेंट चीज है। नॉर्मली आप तीनों को एक ही जैसा कंसिडर कर लेते हो, लेकिन पावर समथिंग डिफरेंट, ये इनसे अलग है। ये तो कोई शक नहीं है कि इसको आप एक्सपोनेंट बोल सकते हो, इंडेक्स बोल सकते हो, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप इसको पावर नहीं बोल सकते। अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, जनरलाइज तो हम कुछ भी बोल लें, हमें क्या मसला है उसका, लेकिन आप बोल नहीं सकते। तो पावर है क्या चीज? पावर जो है ना, ये बेसिकली आप पूरी एक्सप्रेशन को बोलते हो, ये जो पूरी आपके सामने लिखी है ना, इस पूरी चीज को आप पावर बोलते हो। ये आमतौर पर आपने बात सुनी नहीं होगी कभी, लेकिन पावर का जो वर्ड बोला जाता है ना, वो इस पूरी चीज के लिए बोला जाता है। ये जो एक्सप्रेशन है जो बार बार मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब इसमें इस तरह भी लिख सकते हो ना, 2 × 2 × 2, ये जो चीज है ना, इसको पावर बोलते हो पूरे कंप्लीट को। तो पावर के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है बेस जिसको आपने अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, और एक होती है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब उस नंबर को कितनी दफा आपने मल्टीप्लाई करना है, 3 का मतलब उस नंबर को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है अपने आप से। तो ये जो चीज है इसको एक्सपोनेंट बोल देते हो या इंडेक्स बोल देते हो, और ये जो चीज है ये बेस होती है, और ओवरऑल अगर आप बात करो तो आप इसको पावर बोलते हो। अगर आप सही बात अगर देखो ना, तो ये वर्ड बोला जाता है। लेकिन नॉर्मली सबसे बड़ी कंफ्यूजन, हम जो जुमला बचपन से बोलते हुए आ रहे हैं ना, और मेरे मुंह से भी आपने हजार दफा सुना होगा, 2 की पावर 4, इंग्लिश में बोलो 2 raised to power 5, कुछ भी इस तरह लिखा हो, तो इससे हमें कंफ्यूजन होती है कि हम समझेंगे जो 5 है ना वो पावर है। तो जनरली अगर आप कंसिडर कर लो, कोई सवाल का असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक स्पेसिफिक बात जो है मैंने आप लोगों को बता दी है कि ये पूरा सिचुएशन चल रही होती है। तो करेक्ट जो होता है ना इसको बोलने का तरीका, करेक्ट बोलने का तरीका ये होता है कि पावर ऑफ 2 की पावर, इस तरह बोल रहे होते हैं। जैसे आपकी बुक में वर्ड यूज हुआ है, ये जो चीज लिखी है ना बाइनोमियल की भी, पावर एन जिसको आप नॉर्मली बोलते हो, तो बुक वाले ने इसको क्या बोला है, इस पूरी एक्सप्रेशन को बोला है पावर ऑफ a+b, दैट्स इट, मतलब a+b की पावर, इस पूरी चीज को बोला गया। क्यों? क्योंकि a+b को बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो पावर है ना बेसिकली पूरी ये एक्सप्रेशन होती है। लेकिन जनरली आप पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स जो है वो एक ही मानों में इस्तेमाल कर रहे हो, तो लेकिन मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को फर्क बता दिया। तो आप दोबारा टॉपिक पे आ जाओ, तो टॉपिक हमारा ये था कि अगर आपके पास बाइनोमियल गिवन है, बाइनोमियल मतलब कोई भी दो टर्म गिवन है, ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, फिलहाल हम एडिशन की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन पे आ जाएंगे। अगर ऐड हो रही है और उनकी कोई पावर लिखी हो, अब जो मैं वर्ड बोलूंगा ना, जो नॉर्मली बच्चे समझते हैं ना, उन्हीं फॉर्म में लिखूंगा, वरना एक्चुअल बोलना चाहिए कि a+b की अगर कोई एक्सपोनेंट ऊपर गिवन हो, ठीक है, लेकिन बोलने में पावर भी हम बोल देते हैं, आसानी हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अगर आपके पास देखा हो a+b की पावर 1, अगर आपके पास देखा हो a+b का होल स्क्वायर, या देखा हो a+b का होल क्यूब, एक और भी डिस्कस कर लेते हैं, या आपके पास देखा हो a+b की पावर 4। अब यहां पे मसला आपको समझ आ जाएगा, मैंने क्या बोला था, जब कोई नया टॉपिक पढ़ो तो मसला आपको समझ आना चाहिए। मसला ये है कि अगर मैं बोलूं a+b की पावर 10, अभी में से कितने स्टूडेंट आप लोगों में से हैं जिनको a+b होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं आता, और ऐसे मेजोरिटी बच्चे होंगे जिनको a+b होल 4 का फॉर्मूला नहीं आता। तो जिस बंदे को a+b की पावर 4 का फॉर्मूला नहीं आ रहा, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, a+b की पावर 10 का बता देगा? नहीं। a+b की पावर 16 का बताएगा? नहीं। ये मसला आ गया यहाँ। तो इसका मतलब हमें कोई एक फॉर्मूला चाहिए, एक पैटर्न चाहिए, एक कोई थ्योरम चाहिए, जो हम कितनी भी बड़ी पावर आ जाए हम आसानी से उसको कैलकुलेट कर लें, हमें मसला ना हो। तो ये हमें जरूरत महसूस हुई है। तो जो बाइनोमियल थ्योरम आप पढ़ने लगे हो ना, ये मसला था, ये जरूरत थी, तो हमें एक नई चीज पता होनी चाहिए थी। वो नई चीज क्या है? बाइनोमियल थ्योरम, जो आपके इस मसले को हल करेगा। ठीक है, तो मैंने वजह बता दी, पर्पस बता दी बाइनोमियल थ्योरम का। अब जरा इस पर थोड़ी देर बाद आते हैं, पहले इनके बारे में पढ़ते हैं। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे ना, तो ये तो बच्चों सिंपल a+b होगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। अगर आप इसको लिखो a+b होल स्क्वायर को क्या लिखते हुए आ रहे हो, a² + 2ab + b² इसी तरह। अच्छा, a+b होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a+b होल स्क्वायर का मतलब है कि a+b को मल्टीप्लाई कर दो a+b से, क्योंकि दोनों की बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी तो a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा वो, ये मतलब होता है। इसी तरह a+b होल क्यूब का मतलब a+b को आप 3 दफा मल्टीप्लाई कर रहे हो, बेसिस सेम है, पावर ऐड करो, तो आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हो। जब इनको 3 दफा मल्टीप्लाई करोगे ना आपस में, तो आंसर क्या आएगा, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। इसी तरह जब इसको लिखोगे, 4 दफा मल्टीप्लाई करोगे इस तरह, तो आपके पास आएगा a4 + 4a³ b + 6a² b² + 4ab³ + b की पावर 4।
अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो बात कि यार फोर तो चलो लिख लिया सर ने, पता नहीं किस तरह लिखा है, हालांकि हमें मल्टीप्लाई करके बात पता चलेगा। अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं आता तो फिर इसका हल क्या है, इसका हल ये कि ए प्लस बी को चार तरह मल्टीप्लाई करो फिर रिजल्ट पे पहुंचोगे, इतना लंबा काम, तो हमें जरूरत है किसी और फॉर्मूले की। तो यहां पर रेस्क्यू करने आएगा बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है ए और बी की पावर। ए और बी की पावर मालूम करना मुश्किल बात नहीं है, आपको बस एक पैटर्न पता होना चाहिए। पैटर्न क्या है, सबसे पहली टर्म जो होती है उसमें जो यहां पे जो फर्स्ट चीज लिखी हुई है ना उसकी मैक्सिमम पावर कर देगा। यहां पे पहली चीज क्या लिखी हुई है, ए, पहली टर्म में आप ए की मैक्सिमम पावर कर दो, ए क्यू, ठीक है। इसी तरह यहां पे ए लिखा हुआ है, पहली टर्म में ए की मैक्सिमम पावर मतलब ए की पावर फोर कर दिया आपने, पहली टर्म यही है। इसी तरह ए का स्क्वायर कर दिया, ए की पावर वन कर दी, तो पहली टर्म निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब दूसरी टर्म कैसे आएगी, दूसरी टर्म में आप क्या करो, ए की पावर एक कम करते जाओ और बी की पावर बढ़ाते जाओ। अभी इन सब पहली टर्म में ना बी की पावर जीरो है, जैसे ए क्यूब लिखा हुआ है ना, मैं ए क्यूब को इस तरह लिख सकता हूं, बी की पावर जीरो इसके साथ, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने ए की पावर कम करने लगना है और बी की पावर बढ़ाने लग जाना है। तो फॉर एग्जाम्पल ए क्यूब को देखो, अब ए क्यूब की एक पावर कम करो ए स्क्वायर, और बी की पावर यहां पे जीरो थी, बी की एक पावर बढ़ाओ बी की पावर वन होगी यहां पे, फिर मजीद कम करो ये हो जाएगा ए, और बी की एक पावर इंक्रीज करो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर ए की जब मजीद पावर कम करोगे तो ये हो जाएगा जीरो, और बी की मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी, क्यू। तो ये जो चीज है ना, ये आपको कोई मसला ही नहीं है, आप इस चीज के लिए कोई मोहताज नहीं हो, आपसे बड़ी सी बड़ी चीज आते हैं आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाए ए प्लस बी की पावर सिक्स, मैं इतनी बड़ी नहीं करता ना, मना मेरा टाइम भी जाया होगा, तो अगर इसमें कोफिशिएंट को छोड़ दो, कोफिशिएंट फिलहाल छोड़ दो, वैसे ए बी की पावर निकालने के लिए कोई थ्योरम की जरूरत नहीं है, आपको आसानी से लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पहले होगा ए सिक्स, अब ए की पावर कम करते जाओ, ए फाइव बी, फिर ए फोर बी स्क्वायर, फिर ए क्यूब बी क्यूब, फिर ए स्क्वायर बी फोर, फिर ए बी फाइव, फिर आखिर में क्या होगा बी सिक्स। कोफिशिएंट आपको नहीं पता, और वो मसला मेरा अगला मैं आप लोगों को बताने लगा। तो मेन चीज आपने देखी ए बी की पावर, यार ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम आसानी से कर लेंगे, हमें कोई इशू नहीं है। और यहां पे आप एक इंपॉर्टेंट बात देखो, मैंने बाद में बताना था, अभी से सीख लो इस बात को, कि जितनी पावर होती है ना उससे एक ज्यादा टर्म आती है। अगर पावर टू है तो देखो तीन टर्म आ रही है, पावर थ्री तो चार टर्म आ रही है, पावर फोर तो पांच टर्म आ रही है, इसी तरह पावर सिक्स थी तो काउंट करना सात टर्म आ रही है। तो जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म आ रही होती है, ये बड़ा मशहूर एमसीक्यूज है। पेपर में कोई भी आपको बाइनोमियल देते हैं उसकी पावर सिक्स हो जाए नाइन हो जाए और बोलते हैं इसके अंदर कितनी टर्म होगी, तो जो पावर है उसके अंदर वन ऐड करो उतनी नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप हर टर्म में देखो ना ए और बी की पावर को अगर आप ऐड करो तो वो इसके बराबर आएगी। जैसे यहां पे ए की पावर फाइव है, बी की पावर वन है, फाइव प्लस वन सिक्स, फोर प्लस टू सिक्स, थ्री प्लस थ्री सिक्स, टू प्लस फोर वन प्लस फाइव, आप हर टर्म की पावर देखो एक्सपोनेंट निकालो वो सिक्स के बराबर होगी जो इसकी पावर है। पहली टर्म से लेके एंड तक आप ले जाओ, सब में अगर आप पावर्स को ऐड करो ना आपस में, तो आपके पास क्या रहा होगा नंबर, जो इसकी पावर है वही आपको यहां पे मिल रही होगी। इसी तरह यहां पे ऐड कर लो, फोर है तो फोर है, थ्री प्लस वन फोर, टू प्लस टू फोर, वन प्लस थ्री फोर, तो हर टर्म में आप देखो ए और बी की पावर्स को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, जो यहां पे बाइनोमियल की पावर लिखी हुई है। तो दो पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। तो बाइनोमियल थ्योरम का एक पार्ट आपने कर लिया कि यार ए बी की पावर आपको समझ आ गई है, तो ये बाइनोमियल की आधी चीज तो आपने समझ ली है। अब जरा कोफिशिएंट पे आते हैं। अच्छा अगर मैं जनरलाइज बात करूं, यहीं पे हम जनरलाइज बात डिस्कस करते हैं थोड़ी बहुत, थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं ए की पावर एन, तो होगा क्या, होगा ये कि सबसे पहले आपको पता है पहली टर्म में ए की पावर मैक्सिमम होती है, तो ए की पावर क्या होगी, एन मैक्सिमम पावर होगी। फिर क्या होगा, ए से पावर कम होती जाएगी, बी में पावर बढ़ती जाएगी, तो अब ए क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, जो पहले पावर थी उससे ए कम कर दो, एन माइनस वन का मतलब जो पहले पावर थी ए कम करनी है, और पहले बी की पावर जीरो थी अब बी की पावर वन कर दिया आपने, फिर क्या होगा, ए की मजीद पावर कम कर दो एन माइनस टू और बी की बढ़ा दो स्क्वायर, फिर क्या होगा, ए की पावर मजीद कम करो एन माइनस थ्री, बी की पावर क्यूब करते जाओ। और ये आपने कब तक जाना है, अब देखो सब तो आप डिस्कस नहीं करोगे ना, अब आपको नहीं पता एन यहां पे क्या है, अगर एन यहां पे टेन होगा तो ग्यारह टर्म आ रही होंगी, तो हम जनरलाइज बात करते हैं, ये पैटर्न चलता जाएगा, ए की पावर एन माइनस फोर बी फोर, ए की पावर एन माइनस फाइव बी फाइव, पैटर्न चलता जाएगा। आखिरी टर्म क्या होगी, यहां पे आखिरी टर्म ये होगी कि उसमें ए खत्म हो जाएगा और बी की पावर क्या होगी, एन होगी। आखिरी से एक पहले वाली टर्म भी मैं लिख देता हूं, आखिरी से पहले वाली टर्म में ये होगा कि ए की पावर वन होगी, खत्म होते होते होते
सेकंड लास्ट टर्म में आपको पता है एक ही पावर वन होती है, ये सेकंड लास्ट टर्म है एक ही पावर वन, सेकंड लास्ट टर्म एक ही पावर वन, सेकंड लास्ट टर्म एक ही पावर वन, सेकंड लास्ट टर्म एक ही पावर वन, तो सेकंड लास्ट टर्म होती है उसमें एक ही पावर क्या होती है वन होती है, तो सेकंड लास्ट टर्म में एक ही पावर वन। और बी की पावर क्या होती है, बी की पावर मैक्सिमम से एक कम होती है, जैसे यहां पे मैक्सिमम फोर है ना तो सेकंड लास्ट में क्या होगी क्यूब, मैक्सिमम थ्री है सेकंड लास्ट में क्या होगी स्क्वायर, मैक्सिमम स्क्वायर है सेकंड लास्ट में क्या होगी वन। तो जो मैक्सिमम पावर है ना जो बायनोमियल की पावर है उससे एक कम बी की पावर होगी सेकंड लास्ट टर्म में, तो सेकंड लास्ट टर्म में बी की पावर हो जाएगी एन माइनस वन, ठीक है, मैक्सिमम पावर एन है तो इसकी क्या हो जाएगी एक कम एन माइनस वन, और आखिरी टर्म जो है उसमें क्या हो जाएगा ए खत्म हो जाएगा और बी की पावर एन हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है बच्चों, अच्छा जी दरमियान में हम एक काम करते हैं, एक जनरल टर्म में निकाल लेते हैं जो आगे भी आप निकालोगे, लेकिन हम दरमियान में निकाल लेते हैं, ये जो दो टर्म है ना इसको मैं एंड पे लिखता हूं, दरमियान में काम करते हैं हम, यहां पे जनरल टर्म निकालते हैं उसके बाद एंड की टर्म लिखते हैं। ये जनरल टर्म का मेरा मतलब क्या है, जनरल टर्म का मतलब ये है कि उसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी टर्म निकाल सको, फॉर एग्जाम्पल ये पहली टर्म है ना, पहली टर्म में ए की पावर मैक्सिमम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिस्कस करो यहां पे मैं ए प्लस बी की पावर सेवन कर दूं, ठीक है, और मैं आपको बोलूं तीसरी टर्म निकालो, पूरी निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ तीसरी निकालनी है। अब आप कहोगे तीसरी निकालू मैं कैसे, मुझे तो पूरा निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट तो नहीं बता पाओगे, फॉर एग्जाम्पल बोलो उसकी पांचवी टर्म निकालो, फिर कंफ्यूज हो गया पांचवी में क्या होगा, तो आपको एक जनरल टर्म चाहिए होगी ना कि भाई पूरी निकालनी नहीं आप, जैसे सीक्वेंस में होता था भाई एक सीक्वेंस है उसकी आपको दसवीं टर्म निकालनी है, तो क्या आप दसवीं मैनुअल निकालोगे, नहीं, आपने जनरल टर्म फॉर्मुला बना दिया था उसमें आप आसानी से दसवीं निकाल लीजिए, तो वही जनरल टर्म फॉर्मुला आपको यहां पर चाहिए। तो अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करो ना पैटर्न यहां पर जनरल टर्म में फॉलो क्या होगा, जनरल टर्म आपकी ये होगी, ये चीज होगी, ठीक है, वेयर आर यहां पे क्या है, आर स्टार्ट होगा जीरो से, ये जो मैंने आर लिखा है ना ये स्टार्ट होगा जीरो से और जीरो से बड़ा होगा, जीरो वन मतलब समझ लो होल नंबर होगा आर, पहले टर्म में आर जीरो, दूसरे में आर वन, तीसरे में आर थ्री, चौथी में आर थ्री हो जाएगा, मतलब जीरो वन टू थ्री, ये देखो आर थ्री है इसमें, आर टू है, आर वन है इसमें, आर जीरो है, तो आपने जनरलाइज बात कर दी है, तो इसकी जनरलाइज टर्म क्या होगी ए एन माइनस आर की पावर आर। अब फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जा रहा है कि यार आप इस वाली सीरीज इस जो भी बायनोमियल है इसकी आप पांचवी टर्म निकालो, तो पांचवी टर्म कैसे आएगी, आपको पता है पांचवी टर्म जनरलाइज टर्म की बात करो, जनरलाइज टर्म है ए एन माइनस आर बी आर, इसमें सबसे पहले एन पुट करो, एन यहां पे क्या है सेवन, एन आपने पुट कर दिया, माइनस आर और बी की पावर आर, ये आपकी जनरलाइज टर्म है। मैं दोबारा सवाल बताता हूं, अगर आपको बोला जाए कि इस वाली बायनोमियल में आप पांचवी टर्म निकालो, मैं अभी कोफिशिएंट की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट ए बी की पावर की बात कर रहा हूं कि इसकी आप पांचवी टर्म निकालो, अब पांचवी टर्म आप कैसे निकालोगे, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है, फिर आर यहां पे जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर पहली टर्म में देखो पहली टर्म को आप इस तरह लिख सकते हो ना ए की पावर एन माइनस जीरो बी की पावर जीरो, क्योंकि आर की वैल्यू यहां पे जीरो थी, तो पहले टर्म में आर जीरो होता है, दूसरी टर्म में अगर आप देखो ए एन माइनस वन बी की पावर वन, तो दूसरी टर्म में आर क्या है वन, देखो जो यहां पे आ रहा है वही यहां पे आ रहा है, तो मैंने दोनों जगह आर लिख दिया जनरलाइज बात की है। तीसरी टर्म अगर आपको बोलेंगे तो उसमें आर की पावर मतलब आर टू हो जाएगा, तो तीसरी टर्म में देखो आर क्या आ रहा है टू आ रहा है, चौथी टर्म में आर क्या होगा थ्री, पांचवी टर्म में आर क्या होगा फोर, तो अगर आपने इसकी पांचवी टर्म निकालनी है तो आप आर की वैल्यू क्या पुट करोगे, पांचवी टर्म में आर की वैल्यू फोर पुट करोगे, तो यहां पे आर की जगह फोर पुट कर दो, ठीक है, तो सॉल्व करोगे जगह ए क्यू बी फोर, इसका मतलब इस वाली बायनोमियल एक्सपेंड, अच्छा इसको बायनोमियल एक्सपेंशन आप कहते हो, ये जो बायनोमियल है ना इसको आपने एक्सपेंड किया पूरा, तो उसको हम बोलते हैं जो राइट हैंड साइड है ना इसको बोलते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन, बायनोमियल को एक्सपेंड कर दिया आपने। तो अगर आप देखो आपके पास पांचवी टर्म आ गई है, पांचवी टर्म में ए की पावर क्यूब होगी बी की पावर फोर होगी, तो कहने का मतलब ये कि जनरल टर्म निकालने का मकसद ये होता है कि आपको कोई भी टर्म निकालनी हो आपको पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, आप स्पेसिफिक आपने पैटर्न बस देखना, पैटर्न क्या है इसके अंदर, पैटर्न आपने यहां पे ऑब्जर्व कर लिया कि सबसे पहले एन में से जीरो माइनस हो रहा है, फिर एन में से वन माइनस हो रहा है, एन में से टू माइनस हो रहा है, एन में से थ्री माइनस हो रहा है, तो आपने पैटर्न रख लिया कि यार एन माइनस आर, फिर आर कहां से होगा, आर जीरो से स्टार्ट होगा, फिर आर वन होगा, फिर आर टू होगा, फिर आर थ्री होगा, ठीक है, इसी तरह आपने मैच किया कि देखो आर यहां पे जीरो है ना तो बी की पावर भी जीरो है, आर यहां पे वन बी की पावर भी वन, आर यहां पे टू बी की पावर टू, तो जो आर होगा वही बी की पावर होगी, तो आपने लिख दिया बी की पावर आर, बी की पावर और आर सेम ही चल रहे हैं सब टर्म के अंदर, तो आपने जनरल टर्म एक निकाल दिया, और जनरल टर्म से फायदा क्या होगा, मैंने आपको बता दिया कि आपने पांचवी टर्म निकालनी थी तो आपके पास आने से पांचवी टर्म आ गई। यहां तक आपने अभी तक क्या सीखा, ये बायनोमियल का हाफ हिस्सा मैंने आपको बता दिया कि ए बी आप किस तरह निकालते हो, अगर आप इसमें आखिरी टर्म निकालो आखिरी टर्म क्या हो जाएगी बी की पावर है,
और उससे पहले वाली टर्म भी निकालना चाहो, मैंने बताया था सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी। बहरहाल तो ये पूरा आपके पास सिचुएशन बन जाएगी। अब सवाल है कि कोएफिशिएंट का क्या करें। भाई हमने ए बी तो देख लिया, ए बी की जनरलाइज वर्जन भी देख लिया, सवाल ये है कि कोएफिशिएंट का हम क्या करें, कोएफिशिएंट हम किस तरीके से निकालेंगे। तो अब उसके लिए हम जरा डिस्कस करते हैं, बल्कि मैं ऊपर ही बना देता हूं। अब कोएफिशिएंट के लिए आपने क्या करना है बच्चों, कोएफिशिएंट के लिए आप यहां पे यूज करोगे एक टेक्निक, और वो टेक्निक क्या होगी, अगर आप इसमें ऑब्जर्व करो ए प्लस बी के अंदर आप देखते हैं, तो मैं इसके सामने लिख देता हूं, इसको मैं हटाता हूं। अगर इसमें ऑब्जर्व करो ए दो टर्म है, इसके अंदर दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, वन मंथ, तो आप इस तरह लिख दो वन वन। थोड़ी जगह छोड़ देते हैं क्योंकि एक और चीज ऊपर लिखनी है बाद में, तो वन वन आप लिख दिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप ए प्लस बी होल स्क्वायर पे आओ, तो यहां पे पहला कोएफिशिएंट वन है, फिर टू है, फिर वन है, तो आप इस तरह लिख सकते हो वन टू वन। मैं इस पैटर्न में क्यों लिख रहा हूं थोड़ी देर बाद आपको समझ आ जाएगा। फिर वन थ्री थ्री वन, तो आप लिखो वन थ्री थ्री वन, फिर वन फोर सिक्स फोर वन, तो वन फोर सिक्स फोर वन। आप ऑब्जर्व करो कि आपके पास एक ट्रायंगल पैटर्न आ रहा है, और ये मैंने पैटर्न देख के नहीं बनाया, मैं इसके बगैर भी बना सकता हूं। अगर आप मुझे बोलो सर अगला बताएं, मैं अगला बता सकता हूं, अगला क्या होगा, मैं पैटर्न बताता हूं, शायद अभी आप लोग पकड़ लो। भाई कोने पे तो वन लिखना है आपने, अगर आप पैटर्न देखो जलता हुआ आ रहा है कि वन 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 वन, ये तो आप करते हुए। अच्छा उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है कि जो मैं यहां पे इन दोनों के, मतलब जो इससे लास्ट वाली रॉ है ना, उन दोनों के दरमियान में कोई नंबर लिखता हूं, जैसे थ्री जो है आपने वन टू के दरमियान लिखा है, फोर जो है आपने वन थ्री के दरमियान लिखा है, थ्री थ्री के दरमियान सिक्स लिखा है, तो नीचे वाली रॉ में आप दरमियान में लिखते हो जो ऊपर में दो लिखे हुए लेटर, जो डिजिट लिखे हुए, तो इसके दरमियान आप क्या लिखोगे, इन दोनों को एड कर दो, वन प्लस फोर क्या होता है फाइव, इसी तरह इसके दरमियान आप क्या लिखोगे, इन दोनों को एड कर दो, फोर प्लस सिक्स टेन, इसी तरह इन दोनों के दरमियान क्या लिखोगे, सिक्स प्लस फोर टेन, इसी तरह फोर प्लस वन फाइव। तो ये पैटर्न तो बड़ा इजी है यार, और ये एग्जैक्ट यही कोएफिशिएंट है ए प्लस बी के होल पावर फाइव के अंदर, एग्जैक्ट यही कोएफिशिएंट होंगे। तो आपने ट्रायंगल, एक ट्रायंगुलर पैटर्न ये बना किस तरीके से रहे हो कि स्टार्टिंग तो सबकी वन 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 है, एंडिंग भी सबकी वन 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 है, दरमियान में आप किस तरह लिख रहे हो कि दरमियान में जो भी आप लेटर लिख रहे हो उसके ऊपर जो दो लेटर है उनको आप एड, सॉरी डिजिट्स, जो उसके ऊपर दो डिजिट जो है उनको ऐड करते हो और उसके दरमियान लिख देते हो, जैसे वन वन को ऐड किया दरमियान में टू आ गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में वन, एंडिंग में वन, दरमियान में टू कैसे आया, इन दोनों को ऐड किया। अच्छा अब थर्ड रॉ पे आओ, स्टार्टिंग में वन, एंडिंग में वन, अच्छा वन और टू के दरमियान क्या होगा, थ्री, वन प्लस टू थ्री, अच्छा ठीक, टू और वन के दरमियान क्या होगा, टू प्लस वन थ्री, पैटर्न आपका बन गया। अब फोर्थ रो पे आ जाओ, वन प्लस थ्री फोर, थ्री प्लस थ्री सिक्स, थ्री प्लस वन फोर, और एंड पे आपने मान लेंगे, और आखिरी का तो मैंने आपको बता दिया। तो या, इसको आप कहते हो पास्कल्स ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल आपको दिया है ये पास्कल्स ने बनाया था, पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है। तो यहां पे आपने एक बात ऑब्जर्व की कि यार बड़ी आसानी से कोएफिशिएंट निकाल सकते हो, आप ए प्लस बी की होल पावर सिक्स का बोला जाए तो क्या होगा, वन सिक्स फिफ्टीन ट्वेंटी फिफ्टीन सिक्स और वन, बस ऊपर के दोनों इनके दरमियान पे नंबर लिखोगे ना, दोनों को ऐड करो दरमियान में, नंबर लिख दोनों को ऐड करो दरमियान में, दोनों को ऐड करो दरमियान में, और आपके पास कोएफिशिएंट आ जाएंगे सारे। तो कोएफिशिएंट निकालने का तो बड़ा आसान तरीका है ये। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो, मैंने एक टर्म यहां पे लिखी नहीं है, एक ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हो रहा, वर्टेक्स ऊपर नहीं है, तो वर्टेक्स उस वक्त कंप्लीट होगा जब आप ये भी कंसीडर करोगे, ए प्लस बी की पावर जीरो, जो बाइनोमियल थ्योरम है ना उसमें पावर जीरो हम कंसीडर करते नहीं है, क्योंकि हमें पता है जब पावर जीरो होती है आंसर बनाते हैं, तो जो बाइनोमियल थ्योरम आप पढ़ोगे ना उसमें एन जो है वो नेचुरली होता है, जीरो हम कंसीडर करते नहीं है, लेकिन अगर आप जीरो कंसीडर करोगे तो होगा क्या, आंसर वन आ जाएगा, बस किसी भी नंबर की पावर जीरो आंसर वन होता है, तो ए प्लस बी की पावर बेशक जीरो कर दो आंसर वन आएगा। तो जो ए प्लस बी की पावर जीरो है ना उसके अंदर ए की टर्म है और वो क्या है वन, और इस तरह आपका ट्रायंगल पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो पहली रो ए प्लस बी जीरो, दूसरी ए प्लस बी की होल पावर वन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब, होल फोर, होल फाइव, ये पांच लिख दिए, छठी सातवीं आठवीं आप देख सकते हो। अब जरा एक चीज यहां से आप ऑब्जर्व करोगे इस पास्कल ट्रायंगल से, जरा ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूं, ऑब्जर्वेशन वही आपने किए सबसे पहले कि ये तो बात पहले भी मैंने बताई, जितनी पावर है उसे ज्यादा टर्म्स आ रही है, कि फॉर एग्जाम्पल ये जो फॉर्मूला है ये है ए प्लस बी होल क्यूब का, तो पावर थ्री है तो आपको देखो चार टर्म नजर आ रही है, ये तो वैसे भी आपने पढ़ ली। एक और बात आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे, वो बात क्या होगी, वो बात ये होगी कि अगर आप सब रॉ को ऐड करो तो यहां पे क्या मिल रहा है आपको, जरा ऐड करके देखते हैं। पहली रॉ को ऐड करो वन ही मिलेगा, यहां मैं ऐड कर देता हूं
ठीक है, पहली रॉ को ऐड करो 1, दूसरी रॉ को ऐड करो 2, तीसरी को ऐड करो 4 हो जाएगा, चौथी को ऐड करो 8 हो जाएगा, पांचवी को ऐड करो 16 हो जाएगा, और छठी को ऐड करो 32 हो जाएगा। 20, अगर आप ऑब्जर्व करो ये कोई स्पेसिफिक नंबर आ रहे हैं यार, ये रैंडम नहीं है, कोई ना कोई ताल्लुक नजर आ रहा है इनके दरमियान, ये जीपी बन रही है। लेकिन जीपी को छोड़ो आप, इसको जनरल फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर्स, ये जो फॉर्मूला पूरा ये फॉर्मूला 2 की पावर n, वेयर n स्टार्ट हो रहा है 0 से, जो यहां पे पावर है, जो यहां पे n है ना, ये बेसिकली जनरल फॉर्म में n लिखा था ना, तो पावर कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। तो ये जो 1 आया ना, ये बेसिकली कैसे आया, 2 की पावर 0 1, ये 2 कैसे आया, 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो यहां से आप एक बात सीखी, अगर आपको बोला जाए कि जो कोफिशियंट है, ये जो कोफिशियंट आप निकाल रहे हो इनको बाइनोमियल कोफिशियंट बोले जाते हैं। दो किस्म के कोफिशियंट होते हैं, एक तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये बाइनोमियल लिखा हो, तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे ना फॉर एग्जांपल, तो आपके पास आएगा 4b + 4b2। तो आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे जो 4 आ रहे हैं ना, ये बाइनोमियल कोफिशियंट नहीं है। बाइनोमियल कोफिशियंट इसलिए नहीं क्योंकि यहां पर 2 आ गया। बाइनोमियल कोफिशियंट क्या थे, वो ये थे 1 2 1, ये बाइनोमियल कोफिशियंट थे। जो बाकी कोफिशियंट आए हैं ना, ये किस वजह से आए, ये 2 की वजह से आ रहे हैं, तो इनको आप बाइनोमियल कोफिशियंट नहीं बोलोगे। बाइनोमियल कोफिशियंट ये होते हैं बिल्कुल जो a प्लस b, जिसमें इनका कोई कांस्टेंट नहीं होता, जस्ट प्योर बाइनोमियल कोफिशियंट आ रहे होते हैं, इनको आप बाइनोमियल कोफिशियंट कहते हो, जो पास्कल ट्रायंगल में आपको इस तरह नजर आ रहे होते हैं। तो यहां पर स्टेटमेंट दी जाती है कि जो बाइनोमियल कोफिशियंट है उनका सम जो है, मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा कि किसी भी बाइनोमियल में कोफिशियंट का सम, नहीं, कोफिशिएंट का सम अगर यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ तब तो आप निकाल सकते हो, अगर यहां पे कोई नंबर लिखा हुआ है ना तो आप कोफिशिएंट का सम नहीं निकाल सकते उस वक्त तक जब आप उसको एक्सपेंड ना करो। मतलब अगर आप एक्सपेंड करोगे तब मैनुअल तो आप ऐड कर सकते हो ना, 1 4 5 4, तो ये 9 हो जाएगा, लेकिन इसको एक्सपेंड किए बगैर आप इनके कोफिशिएंट का सम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इसमें से बाइनोमियल नहीं है, इसमें और भी कोफिशिएंट है, तो आप नहीं निकाल सकते। लेकिन जिसमें सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट हो उनका सम आप आसानी से निकाल सकते हो, और उसका फॉर्मूला आपने क्या देखा है, यहां पे 2 की पावर है। तो अगर मैं आपको बोलूं यार इस एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट है सबके, जो भी कोफिशिएंट आ रहे होंगे उनका जरा सम निकालो, बहुत इजी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला? 2 की पावर है, यहां पे 2 क्या है, सो n क्या है, 7, 2 की पावर 7 क्या हो जाएगा, 128। तो इसके जो कोफिशिएंट होंगे ना बाइनोमियल कोफिशिएंट, अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है इसका। जो इसके बाद होगा ना वो होगा 1 6 15 20, इसी तरह 15 6 1, इसके बाद क्या होगा 1, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 35, अगेन 20 + 15 35, 15 + 6 21, 6 + 1 7, और बिल्कुल यहां पे एक बना रहा होगा। तो अगर आप इन सबको ये a प्लस b होल पावर 7 के, अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे आपके पास आ रहा होगा 2 की पावर 7, मतलब 128 आ रहा होगा। तो यहां पे आपने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला देखा कि अगर आपको सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स करने हो तो किसके बराबर होता है, 2 की पावर n, वेयर n जो बाइनोमियल की पावर है वो आप पुट कर दो, आपके पास बाइनोमियल के सारे कोफिशिएंट का सम आ जाएगा, आपको आपको मैनुअल ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ऑब्जर्वेशन तो पास्कल ट्रायंगल से हमने ये देख लिया। दूसरा अगर आप देखो तो पास्कल ट्रायंगल काफी एक डिफरेंट इसमें चीजें कवर हो रही होती है। जैसे अगर आप पहली, अगर इस तरह देखो ट्रायंगल वाइज, तो पहली अगर आप ये देखो ना पूरा, तो ये 1 1 1 चल रहा है, एक तो ये आपको पैटर्न नजर आ रहा है। दूसरा अगर आप देखो तो इसमें पूरे नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ये बड़ी अच्छी रॉ है। जो सब बताने वाली चीजें ना वो ये है, ये जो पूरे है ना 1 3 6 10 15 21, इनको आप ट्रायंगुलर नंबर कहते हो। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपने समझ रहे हैं, तो ये है कि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल एक वर्टेक्स से तो नहीं बनता, 3 वर्टेक्स तो मिनिमम चाहिए होते हैं, लेकिन अब आइडियल केस डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल ये वाला है, ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका एरिया खत्म हो गया पूरा, उसके अंदर कितने वर्टेक्स है, इसके अंदर एक वर्टेक्स है। वर्टेक्स कह लो या पॉइंट्स कह लो, मैं भी पैटर्न बताऊंगा बन क्या रहा है। तो एक है तो स्टार्टिंग 1 से हो रही है, अच्छा फिर दूसरा बना, दूसरा किस तरीके से बनाओगे, दूसरा पैटर्न इस तरह कर दो, 2 डॉट नीचे लगा दो। तो अगर आप इस पैटर्न में देखो इसमें 3 डॉट है तो 3 आ गए, फिर आप क्या करो मजीद 3 डॉट लगा दो इस तरह। तो अगर आप इनको सम ऑफ डॉट करो 6 आ रहा होगा, फिर एक और मैं कर देता हूं बाकी आप लोग खेल लेना, अगर इसमें सम करो 10 आ रहा है। तो इनको आप ट्रायंगुलर नंबर कह रहे हो, तो ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है ना इसके अंदर नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं, और ये आगे चलता रहता है 15 21 ट्रायंगुलर नंबर कहलाते हैं। और ये इनका फॉर्मूला भी होता है,
अगर आप ऑब्जर्व करो ना, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है। कैसे? ये तो ये थ्री कैसे आया? शुरू के दो नेचुरल नंबर को सम करो। वन और टू का सम क्या होता है? थ्री। अच्छा, ये सिक्स कैसे आया? शुरू के तीन नेचुरल नंबर को सम किया आपने, वन प्लस टू प्लस थ्री सिक्स आ रहा है। अच्छा, ये टेन कैसे आ रहा है? शुरू के चार नेचुरल नंबर को सम किया, फोर थ्री टू वन को सम करो, टेन आ रहा है। फिर ये पांचवी टर्म कैसे आ रही है? शुरू के पांच नेचुरल नंबर को सम किया आपने, फाइव फोर थ्री टू वन को एड करो, फिफ्टीन आ रहा है। तो ऑब्जर्व करो ना, ये ट्रायंगुलर नंबर निकालने का फॉर्मुला भी होता है जो सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मुला है। अगर आप इसमें टू फॉर एग्जाम्पल वन पुट करोगे तो आंसर वन आएगा, पहली टर्म आपको मिल जाएगी। ये ट्रायंगुलर नंबर के सम का फॉर्मुला नहीं है, ये ट्रायंगुलर नंबर की नंबर ऑफ टर्म मालूम करने का फॉर्मुला है। नंबर ऑफ टर्म मतलब कोई भी टर्म अगर आपने मालूम करनी है, अगर आप यहाँ पे थ्री पुट करोगे तो देखना आंसर सिक्स आ रहा होगा, अगर फाइव पुट करोगे देखना आंसर फिफ्टीन आ रहा होगा, सिक्स पुट करोगे देखना ट्वेंटी वन आएगा। तो ये फॉर्मुला भी है जिससे आप ट्रायंगुलर नंबर भी निकाल सकते हो। इसके बाद अगले जो है मेरे ख्याल में वो ट्रेपेज़ॉइडल नंबर कहते हैं या टेट्राहेड्रल नंबर कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल नंबर कहते हैं। चलिए, ये जो नंबर है ना 1, 4, 10, 20, और वो 3D में बात चली जाएगी तो मैं बना नहीं सकता, लेकिन आई गेस टेट्राहेड्रल नंबर कहते हैं। या अगर सर्च कर लेना, आपको मैथ इज फन एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है, उस पर आपको ये पूरा दिखा देंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन आपने पास्कल ट्रायंगल से देखी, कुछ हमने बेसिक बातें पढ़ ली पास्कल ट्रायंगल से। अच्छा, एक और बात भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वो बात ये है कि स्टार्टिंग और एंडिंग से कोएफिशिएंट सेम है। फॉर एग्जाम्पल, इस रॉ को डिस्कस करते हो, फॉर एग्जाम्पल तो पहला और आखिरी सेम है, दूसरा और सेकंड लास्ट सेम है, और दरमियान में जो बचा इसको छोड़ दो। इसी तरह इसमें ऑब्जर्व करो, पहला और आखिरी सेम है, दूसरा और सेकंड लास्ट सेम है, तीसरा और थर्ड लास्ट सेम है। मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग से जो सेम डिस्टेंस पे कोएफिशिएंट है वो सेम है। पहली बार स्टार्टिंग एंडिंग का सेम है। अच्छा, स्टार्टिंग से 5 का डिस्टेंस और एंडिंग से इसका डिस्टेंस बराबर है ना, तो देखो दोनों बराबर है। इसी तरह स्टार्टिंग से इसका डिस्टेंस सेम है, दोनों आपस में बराबर है। ये पैटर्न आप इसके अंदर भी देख सकते हो, 1 है 1 है, 6 है 6 है, 15 है 15 है, इसी तरह 1 1 7 7, 21 21, 35 35। तो ये आप एक पैटर्न देख रहे हो अजीब सा कि यार इसमें स्टार्टिंग एंडिंग से इक्वी डिस्टेंस पे जो कोएफिशिएंट है वो सब आपस में क्या है, सेम है। अब सवाल लेके सर बात खत्म करते हैं, यहीं पे बायनोमियल में थोड़ा पढ़ते हैं, बात खत्म हो जाएगी, अब लंबी करने की क्या जरूरत है, अब तो हर पढ़ ली, हर चीज पढ़ ली ना हमने, नहीं हर चीज नहीं पढ़ी आपने। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जब मैं एक थ्योरम लिखूंगा, थ्योरम में जब बात की जाती है ना तो जनरलाइज बात की जाती है, जैसे आपने पावर एन पे की है। अगर मैं आपको बोलूं यार पावर टेन पे मुझे कोएफिशिएंट बताओ, तो क्या कोई जनरलाइज फॉर्मूला है जिससे मैं कोएफिशिएंट बताऊं? भाई अगर मुझे ए प्लस बी की होल पावर टेन का बताया तो मैं यहां पर क्या लिखूं? कोई जनरलाइज फॉर्मूला बताऊं ना? जनरलाइज फॉर्मूला तो वही नहीं है, मुझे तो ट्राइंगल बनाना पड़ जाएगा, और ट्राइंगल की 10 रॉ मुझे बनानी पड़ेंगी, डायरेक्ट 10वीं रॉ भी नहीं आप बना सकते, ऊपर जब होगी तो 10वीं रॉ बनाओगे ना। 9th रॉ पता होनी चाहिए, 9th के लिए आपको 8th पता होनी चाहिए, 8th के लिए 7th पता होनी चाहिए, तभी आप अगली निकालते हो। तो कहने का मतलब ये कि कोएफिशिएंट वैसे तो हमने देख लिया, अच्छी बात है, लेकिन अगर मुझे ए प्लस बी की पावर 10 के निकालने कोएफिशिएंट, तो मैं कैसे निकालूंगा भाई? मैं जनरलाइज तो बात ही नहीं कर पा रहा यहाँ पे, पास्कल ट्राइंगल से तो मेरा कुछ होगा ही नहीं फायदा। तो अब इसका मतलब ये कि जनरलाइज आप इन कोएफिशिएंट को कैसे लिखोगे, कि अगर आपने पावर 10 में जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं वो लिखना है, या पावर 20 में कोएफिशिएंट आ रहे हैं 21 टर्म में, अब 21 कोएफिशिएंट कैसे लिखोगे यहाँ पे? जनरलाइज तो आप लिख नहीं सकते, आपको इतना लंबा ट्रायंगल बना के करना पड़ेगा। अब ये मसला आ गया, अब इस मसले का हल भी हमें निकालना है। अब इस मसले का हल क्या है, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन आएगी। अब आप लोग बोलोगे सर कॉम्बिनेशन का क्या काम है यहाँ पे, लेकिन अब देखते हैं, ये जो सब कोएफिशिएंट है कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हो आप कैसे, जरा मैं बताता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल इस चीज को मिटा देता हूँ, इसका इतना रोल नहीं है, मैंने आपको समझा दिया, नोट कर लेना, ये मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, मैं कोएफिशिएंट की कहानी बताऊंगा सर, ठीक है? ये जो आपने पास्कल ट्रायंगल लिखा है ना, सेम इस चीज को कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आप लिख सकते हो। कैसे? ये जो ऊपर 1 लिखा है, इसको सबसे पहले आप इस तरह लिख सकते हो, 0, या इसको मैं दूसरी फॉर्म में सी की फॉर्म में लिखवाता हूं, वैसे तो ब्रैकेट वाली फॉर्म देती है सर, देते हैं 0 C 0। अब ये बहुत ही आइडियल केस है, आपके पास 0 चीजें, 0 आपने पिक करनी है, तो कितने तरीके से पिक करोगे? एक ही तरीका है कि आप 0 पिक करो। तो भाई जनरलाइज केस है, 0 C 0 वो आप कंसीडर नहीं करते, मैं हमें कैलकुलेटर आंसर भी नहीं देगा आपको, मैं जरा करके दिखा देता हूँ, क्योंकि जो आइडियल केस होते हैं ना कैलकुलेटर शायद उनके आंसर नहीं देता, बाकी करके देख लेते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन में आप कहते हो कि एन जो है वो नेचुरल तो होना, 0 की सेंस नहीं बनती कोई, तो कैलकुलेटर आंसर दे रहा है, कैलकुलेटर चलो आंसर दे रहा है, 1 आंसर आ रहा है। तो ये तो खैर वैसे भी आप समझ सकते हो। अब इस 1 को आप कैसे लिखोगे, मैं जरा देखता हूँ, इस 1 को मैं लिखूंगा 1 C 0, और जो दूसरा वाला पैन है उसको मैं लिखूंगा 1 C 1। अब जरा पैटर्न देखना, एग्जैक्टली आंसर आ रहे होंगे। अब थर्ड ड्रॉ पे आ जाओ, थर्ड ड्रॉ पे लिखोगे 2 C 0, 2 C 1, 2 C 2,
फोर्थ पे आ जाओ, 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, फोर्थ का लिख देते हैं, फिफ्थ राउ का आ जाते हैं, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4. आप इन सबके आंसर निकालो, मैच कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ये पांचवी रॉ है ना, पांचवी रॉ कौन सी है इसमें से, 1, 2, 3, 4, ये पांचवी रॉ है. 4C0 का आंसर 1 होता है, जब भी नीचे 0 लिखा हुआ आंसर 1 होता है, तो सबका आंसर 1 होगा. इसी तरह जब ऊपर और नीचे वाला नंबर सेम होता है तो कॉम्बिनेशन का आंसर 1 होता है. तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 का सबका आंसर 1 होगा. तो 1, 1, 1, 1, 1, 1, ये तो बात सेटिस्फाई हो रही है. 4C1 क्या होता है, कैलकुलेटर से निकाल लेना, मुझ पर भरोसा नहीं है ना, कैलकुलेटर 4 आंसर दे रहा होगा. देखो 4C2 का आंसर क्या होगा, मुझ पर भरोसा नहीं, कैलकुलेटर से निकालना, 6 आ रहा होगा. 4C3 का क्या आंसर है, 4 ही आएगा, 4 लिखा हुआ है. और ये बात है, आप कोई भी आप ये आखिरी वाले रॉ निकाल दे दो, आखिरी वाले रॉ को मैं इस तरह लिख सकता हूं, ये इसकी कौन सी पावर थी, ये प्लस बी होल 4 था, होल 5, होल 6, होल 7 है ना ये, तो होल 7 को आप इस तरह लिखोगे डॉट डॉट डॉट. अब देखो इसमें मुझे कोई रॉ के मोहताज नहीं हुए, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है, अगर आप इसमें देखो मैं किसी रॉ को मोहताज नहीं हूं, मैं ऊपर 2 नंबर पे ऐड करना कुछ करना नहीं भाई, मैं देखो डायरेक्ट 7वीं रॉ लिख रहा हूं, क्या इसमें मैं डायरेक्ट 7वीं लिख सकता था, मतलब 8वीं रॉ, होल पावर 7 का फॉर्म है ना, तो लेकिन इसकी 7, 8वीं रॉ है, उसको हमने पहली रॉ कंसीडर किया, तो 8वीं रॉ है इसकी. तो देखो 8वीं रॉ इसमें मैं 6ठी के बगैर लिख ही नहीं सकता था, लेकिन इसमें मुझे कोई मोहताज नहीं, मैं डायरेक्ट लिख दे, तो 8वीं रॉ, 8वीं रॉ पता है क्या होगी, 7C0, 7C1, 7C2, 7C3, 7C4, 7C5, 7C6 और एंड पे होगी 7C7. कोई मोहताज मुझे नहीं, और देखो एग्जैक्ट वही होगा, पहली चीज ये और ये 1 है. अच्छा 7C1 7 होता है, 7C2 निकाल के देख लेना, 7 factorial upon 5 factorial, ये हो जाएगा 7 into 6, और एक और भी 2 होता है, कैंसिल करो, 7 into 3 21, तो 21 आ रहा होगा. इस तरह 7C3 निकालना, देखना 35 आ रहा होगा, 7C4 भी 35 है, 7C5 अगेन 21, 7C6 अगेन 7, 7C1. और कॉम्बिनेशन में आपकी बात पता है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन भी होती है. क्या क्या आपको पता है कि 7C0 और 7C7 बराबर होते हैं, क्योंकि आपने फॉर्मुला पढ़ा था कि NCR बराबर होता है NCN-R के. ये मैंने आपको 7.3 प्रोबेबिलिटी परमुटेशन चैप्टर नंबर 7 के अंदर मैं बता रहा था, अगर किसी नहीं पढ़ा तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस कहते होते हैं इनको. तो देखो वही चीज आ रही है, जैसे मैंने बताया था ना, स्टार्टिंग और एंडिंग के कोएफिशिएंट सेम है, नंबर सेम आ रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशंस बन रही है यहां पे. इसी तरह 7C1 की कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 7C6, तो दोनों के आंसर सेम होंगे, जो हमने यहां पे भी देखा था 7 और 7, दोनों के आंसर सेम थे. इसी तरह 7C2 7C5 ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन है, दोनों के आंसर सेम होंगे. 7C3 7C4 कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन है, दोनों के आंसर सेम होंगे. तो कहने का मतलब है, जो पास्कल ट्रायंगल ने जो हमें कोएफिशिएंट दिए है ना, उन एग्जैक्ट कोएफिशिएंट को आप कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हो. फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अब ये किसी रॉ के मोहताज नहीं है. अगर आपको ए प्लस बी की पावर 20 के कोएफिशिएंट निकालने, तो आप क्या स्टार्ट करोगे, आप स्टार्ट करोगे 20C0 से. अगर होल पावर 20 है तो 20C0, 20C1, 20C2 करते 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 20C20. तो किसी रॉ की जरूरत पड़ी नहीं. तो ये हमें बड़ी आसानी, ये हमें आसानी यहां पे नहीं मिली. मेरा ख्याल में काफी डिटेल में मैंने बता दिया आप लोगों को कहां से क्या चीज आ रही है. अब वक्त आ गया कि बायनोमियल थ्योरम फाइनली मैं आपको बता दूं, जिस पे हमने पूरी क्लास रखी हुई है. और बायनोमियल थ्योरम क्या है जरा उस पे हम आ जाते हैं. वो क्या है कि a प्लस बी की पावर n, अगर ये आपके पास लिखा हो तो अब आप किस तरह लिखोगे. सबसे पहले कोएफिशिएंट की हमने अलग बात की थी, a b की पावर की अलग बात की थी, तो जनरलाइज अब लिखते हैं. सबसे पहले कोएफिशिएंट बच्चों NC0 होता है. अगर आप जनरलाइज बात करो तो NC0 का मतलब, अगर यहां पे N5 है तो स्टार्टिंग तो 5C0 से होता है ना. फॉर एग्जाम्पल N अगर यहां पे 4 है तो स्टार्टिंग कहां से होगी, 4C0 फिर 4C1. तो इसी तरह लिखोगे आप, इसके साथ में कोएफिशिएंट लिखूंगा. अगला क्या होगा NC1. फॉर एग्जाम्पल N अगर 4 है तो आपने देखा अगला क्या होगा 4C1, तो इसको आप NC1 बोलोगे. ये NC2 होगा, ये NC3 होगा, ये NC4 होगा. इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट करना चाहो ना, तो मैं छोटा सा ट्रायंगल लिखता हूं. आप इस तरह पहले को तो छोड़ दो, दूसरी से स्टार्ट करते हैं. दूसरी को आप लिख सकते हो NC0 NC1, तीसरी को आप लिख सकते हो NC0 NC1 NC2, जो चौथी रॉ है ना इसको आप लिख सकते हो NC0 NC1, फिर यहां पे NC2 आएगा, यहां पे NC3 आएगा. कहने का मतलब जो चीजें लिखी हुई ना, इसको आप जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है इसको जनरलाइज बात कर दो, एन कह दो, ठीक है. तो जनरलाइज बात करने का फायदा एक ही, असल में आप बताना चाह रहे हो कि कोई भी पावर हो यहाँ पे, स्टार्टिंग आपने 0 से करना है, फिर आपने 1 जाना है, फिर 2 जाना है, करते करते कहां तक जाना है, जो पावर है उतना तक जाना है. फॉर एग्जाम्पल पावर 3 थी तो आपने 3 तक जाना है,
पावर फोर है, फोर तक जाना है। तो स्टार्टिंग करोगे एनसी जीरो से और एंडिंग कहां पे होगी, एनसी एन पे। यस सर मुझे बात बतानी है। तो अच्छा इसका एक ही पावर क्या होगी, आपको पता था मैंने लास्ट बताई थी पहली टर्म में एक ही पावर क्या होती है, एन होती है। अब दूसरी टर्म में क्या होगा, एक ही पावर एक कम हो जाएगी, एक की पावर हो जाएगी एन माइनस वन, जबकि बी की पावर क्या होगी वन, अब बी बढ़ता जाएगा। फिर तीसरी टर्म में क्या होगा, एन सी टू, ए की पावर एन माइनस टू, बी की पावर टू। चौथी टर्म में फॉर एग्जाम्पल लिख लेता हूं ताकि मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एन सी थ्री, ए की पावर एन माइनस थ्री, बी की पावर थ्री। अब लिखते हैं यहां पे हम जनरल टर्म, जनरल टर्म हमने ए बी के फॉर्म में देखी थी, जरा कोफिशिएंट के फॉर्म में जनरल टर्म देखते हैं क्या है। तो अगर आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, पैटर्न आपको नजर आ रहा है, यहां पे पहले टर्म के साथ ना बी की पावर जीरो लिख देता हूं। आप हर टर्म में देखो कुछ चीजें आपको सेम नजर आ रही, क्या ये जो एन है ना, एन को मैं इस तरह लिख देता हूं ताकि मजीद क्लैरिटी हो जाए आपको। देखो एन माइनस जीरो लिखा है, एन माइनस जीरो इज एन, बी की पावर जीरो कुछ भी नहीं है। जनरल टर्म बनाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो एन की अगर आप बात करो तो यहां पर एन आ रहा है और ए की पावर में एन आ रहा है, तो जो जनरल टर्म होगी उसमें भी यही होगा, यहां पर एन और ए की पावर में एन। उसके बाद क्या हो रहा है, जो यहां पे नंबर लिखा हुआ है वही यहां पे एन से माइनस हो रहा है, वही बी की पावर है। सब में ऑब्जर्व कर लो, वन वन वन, टू टू टू, थ्री थ्री थ्री, सेम नंबर है। तो अगर जनरलाइज बात करो तो हम आर कंसीडर करते हैं यहां पे, तो जो यहां पे आर लिखा हुआ है सेम एन से माइनस होगा, सेम बी की पावर में रहेगा। इसको आप कहते हो जनरल टर्म ऑफ बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए पांचवी टर्म निकालो, मैंने पहले बताया था आर पहले टर्म में क्या होता है, जीरो होता है, दूसरी टर्म में आर वन होता है, तीसरी में आर टू होता है, चौथी में आर थ्री होगा, मतलब जितनी जितनी नंबर ऑफ टर्म है ना उससे एक कम आर होता है। तो अब अगर आपको जनरलाइज बात की जाए कि यार एक बायनोमियल दिया जाए और आपको बोला जाए छठी टर्म निकालो, तो छठी टर्म की जनरल फॉर्म क्या होगी, एन सी फाइव, छठी टर्म है तो आर की वैल्यू फाइव होगी, ए की पावर एन माइनस फाइव, बी की पावर फाइव। ये जनरलाइज्ड टर्म है किसी भी बाइनोमियल की पांचवी टर्म की, कोई भी बाइनोमियल आपके पास लिखा हो, ए बी कुछ भी लिखा हो। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं, एग्जांपल देता हूं आपको, आपके पास लिखा हो टू प्लस एक्स आपकी होल पावर फाइव, फॉर एग्जांपल फोर, आपके पास लिखा हो एक्स प्लस वाई की होल पावर फोर, या एक काम करते बढ़ा देते हैं टेन, इसको इलेवन कर देते हैं, दो को डिस्कस करो आप, तो इनकी जनरल टर्म ये रहेगी। अगर मैं आपको बोलूं इनकी छठी टर्म निकालो, इनकी छठी टर्म, तो इसमें a2 है b x है, इसमें a x है b y है, तो a b की वैल्यू चेंज होगी, पावर में भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम n होगा सेम 5 होगा, n माइनस 5 पावर 5, क्योंकि जो छठी टर्म है ना उसमें a की बात है इन सब में कि r की वैल्यू 4 होगी, सॉरी r की वैल्यू 5 होगी छठी टर्म में, तो यहां पे 5 यहां पे 5 यहां पे 5 आएगा, इसी तरह यहां पे n यहां पे n आएगा। अब फर्क ये होगा इसका n 10 है तो इसके लिए 10 आ जाएगा, इसका n 11 है तो इसके लिए 11 आ जाएगा, ठीक है, और इन दोनों में ए और बी की वैल्यू में फर्क होगा। तो सिंपल कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास कोई भी एक्सपेंशन लिखी हुई है, आपने उसकी दसवीं टर्म निकाल ली, आपने उसकी बीसवीं टर्म निकाल ली, तो आपको जस्ट पता होना चाहिए कि ए और बी की वैल्यू क्या है। ए और बी तो जनरलाइज बात की है ना, तो किसी भी एक्सपेंशन में ए बी क्या है, उसकी पावर क्या है, यह आपको पता होना चाहिए कि मतलब बायनोमियल की पावर क्या लिखी हुई है। अगर छठी टर्म बोलेंगे आर फाइव पुट कर देना, दसवीं टर्म बोलेंगे आर नाइन पुट कर देना, ठीक है। तो ये कहलाती है जनरल टर्म, ये जो आपके सामने लिखी है ना ये पूरी कहलाती है जनरल टर्म ऑफ बायनोमियल। तो इसकी आखिरी टर्म यहां पे क्या होगी, आखिरी टर्म क्या होगी, जो मैंने आप लोगों को बताया था आखिरी टर्म बिल्कुल होगी b की पावर है, और अगर कोफिशिएंट आप साथ लिखो उसके तो क्या लिखोगे आप, एन सी एन बी की पावर है, तो आखिरी टर्म यहां पे हो जाएगी एन सी एन बी की पावर। अच्छा यहां पे अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो जो मुझे यहां पे बतानी है, अभी से मैं बताया तो लिखी हुई हर चीज मैंने यहां पे, ये जो आपके पास मैंने कोफिशिएंट लिखे हुए कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, इनमें अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो, एक फॉर्मूला बताया जाता है, उस फॉर्मूले का प्रूफ आपके सामने ही है। अगर आप ऑब्जर्व करो इन दो टर्म को और फिर हम ऑब्जर्व करेंगे फॉर एग्जांपल इन दो टर्म को, कोई भी दो टर्म आप पिक कर सकते हो, कोई भी दो टर्म पिक करो और नीचे वाली पिक करो, तो आपकी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो जाएगी जो मैं बताने लगा हूं। तो ये दो पिक की और ये नीचे वाले पिक की, इसी तरह ये दो पिक करेंगे इसके नीचे वाले जाएंगे, और आपके इंटरेस्ट के लिए देखिए इसके नीचे कुछ और है नहीं, तो इनसे ही बात आपको क्लियर हो जाएगी। अगर आपको याद हो तो ये 2c1 कैसे आया था, जैसे यहां पे 2 कैसे आया था, आपने इन दोनों को आपस में क्या किया था, ऐड किया था ना, तो नीचे 2 आ गया था। इसी तरह आप ऐड करो 1c0 को 1c1 में, तो आपके पास क्या आ रहा है, 2c1 आ रहा है। इसी तरह आपने ऐड किया 3c2 को किसके अंदर, 3c3 के अंदर, तो आपके पास क्या आ रहा है, 4c3। तो इसी चीज को हमें जनरलाइज लिखना है, ये फॉर्मूला है,
किस तरह फॉर्मुला बनाओगे, जनरलाइज बात किस तरह करनी है आपने, आप ऑब्जर्व करो इन दोनों के ऊपर वाले नंबर सेम है 1 1, इसी तरह इन दोनों के भी सेम है 3 3, और आंसर में क्या है, आंसर में 1 ऐड हुआ है, ये दोनों 1 1 थे ना, तो आंसर में क्या आ रहा है 2, ये दोनों 3 3 थे, आंसर में क्या आ रहा है 4, तो जो इनकी पावर थी उससे एक ज्यादा आंसर में आपको नजर आ रही है, ऊपर की बात कर रहा हूं मैं अभी। तो जनरलाइज अगर मैं बात करूं ना, तो फॉर एग्जाम्पल एनसी प्लस एनसी, नीचे वाली चीज में अभी नहीं लिख रहा, ऊपर की अगर मैं बात करूं ना, इन दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, तो आंसर में पावर क्या होगी, आंसर में पावर एक ज्यादा होगी, मतलब एन प्लस वन होगी, ऊपर की बात मैंने पूरी समझा दी। अब नीचे आ जाओ, यहां पे देखो 0 है और 1 है, यहां पे देखो 2 है, यहां पे 3 है, कहने का मतलब क्या है यहां पे, कि नीचे अगर आप ऑब्जर्व करो दोनों में एक यूनिट का डिफरेंस है, मतलब एक यूनिट ज्यादा है दूसरा, जैसे 0 है तो ये 1 है, अगर ये 2 है ये 3 है, एक यूनिट ज्यादा है, ठीक है, ये दोनों में आप ऑब्जर्व करोगे, ये 0 था ये 1 है, ये 2 है ये 3, एक ज्यादा है, आंसर में आपके पास क्या है, आंसर में जो बड़ी चीज है वो आ रही है, जैसे ये 0 है और ये 1 है तो आंसर में क्या आ रहा है, आंसर में 1 आ रहा है, ये 2 है और ये 3 है, आंसर में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो आंसर में बड़ी चीज आती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये है एन सी आर माइनस 1 और ये है R, आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, इन दोनों को आगे पीछे भी कर दो, असल चीज क्या है, अगर एक R है तो एक उससे कम होगा, R माइनस 1, मतलब एक कम है और एक ज्यादा है, इसी चीज को डिफरेंट अंदाज में भी लिख सकते हैं, मैं बताता हूं अभी, लेकिन अगर यहां पर ऑब्जर्व करो एक ज्यादा है और एक उससे कम है, तो आंसर में क्या आएगा, जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला क्या है, यहां पे आर है, तो आंसर में क्या आएगा, आर, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला आपके पास आ गया, एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर बराबर है एन प्लस 1 सी आर के, इसका प्रूफ भी है, आप इन दोनों को जनरलाइज जो फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का उससे सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, ऑब्जर्व करो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के बराबर है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, ऑब्जर्वेशन अगर आप देखो तो आपको खुद ही ये फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, इस फॉर्मूले को डिफरेंट अंदाज में लिख सकते हो, ठीक है, मैं वो बता देता हूं आपको, फॉर एग्जाम्पल इस तरह भी लिख सकते हो, एन प्लस 1 सी, एन प्लस 1 सी, असल चीज क्या, ऊपर के नंबर सेम होने चाहिए, सेम है, नीचे का नंबर कुछ भी कर दो, फॉर एग्जाम्पल आर माइनस 2, आर माइनस 3, एक बड़ा एक छोटा होना चाहिए, बड़ा है आर माइनस 2 और जो छोटा वाला है उससे 1 माइनस कर दो, मतलब इससे 1 माइनस करो आर माइनस 3, मतलब एक यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए, इनके दरमियान एक यूनिट का डिफरेंस है, इसको आपने 1 कम किया है तो ये चीज आ गई, जैसे इसमें से 1 में से आपने एक कम किया 0 आया, 3 में से 1 कम किया 2 आया, इसी तरह, अच्छा ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी तरह भी लिखो, आर माइनस 2 से एक कम किया तो आर माइनस 3 आ गया, तो जो पैटर्न है ये आपने देखना है, लिखा हुआ कुछ भी हो, तो जब आप इनको ऐड करोगे तो होगा क्या, पावर जो सेम है इसमें 1 ऐड करो, मतलब एन प्लस 2 हो जाएगा, और नीचे जो बड़ा वाला है वो आएगा, बड़ा वाला आर माइनस 2 है, तो सेम चीज आपने देखी है, एग्जैक्ट वही फॉर्मूला है, नोटेशन आपने चेंज कर दी है, वही चीज आ रही है आपके पास, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नॉर्मली इस फॉर्म में लिखाया जाता है, तो मैं इसी तरह लिखा है, लेकिन आपको बाकी भी बता दिए, और ये एमसीक्यू भी बनते हैं बहुत मशहूर, ऐसी यूनिवर्सिटी में जिसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है ना, उसमें मैनुअली करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूंगा आप निकालो टेन सी फाइव प्लस टेन सी फोर, अभी कैलकुलेटर के बगैर निकालना मुश्किल चीज है यार, एक आप आसानी से नहीं निकाल सकते, लेकिन ऑप्शन में कॉम्बिनेशन के फॉर्म में ही होगा, तो वैल्यू नहीं लिखी होगी, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आंसर लिखा होगा, तो वो किस तरह निकालोगे, वही कॉन्सेप्ट सेम है ऊपर, तो आंसर में 1 ऐड कर दो, ये 5 ये 4, तो बड़ा जो है वो आ जाएगा 11 सी 5, तो जो इनके एडिशन का आंसर है वो इसका आंसर होगा, तो बस आगे से निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये बात आपने ऑब्जर्व कर ली, ये जो बायनोमियल थ्योरम मैंने आप लोगों को पूरा बताया है, इसमें जनरल टर्म भी डिस्कस किए, इस जनरल टर्म की लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, जनरल टर्म को आप इस तरह लिखते हो टी आर प्लस 1 एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, कहने का मतलब क्या है, इसको मैंने टी आर प्लस 1 क्यों लिखा है, जैसे जनरल टर्म में आप टी एन लिखते थे, तो यहां पे टी एन क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि आप इसमें आर और एन की वैल्यू पुट करते हो, ठीक है, एन की वैल्यू कैसे आएगी, जो भी बायनोमियल की पावर है तो वो तो एन आ जाएगा, आर यहां पे कैसे आएगा, असल चीज देखो वहां पे ना, जो आप सीक्वेंस के जनरल टर्म फॉर्मूले पढ़ते थे उसमें एन जो था वो नंबर ऑफ टर्म होती थी, यहां पे सेम रोल आर बता रहा है आपको, मतलब आर की वैल्यू बता रही है आपको कि नंबर ऑफ टर्म कौन से निकालनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए आर पांचवी टर्म निकालो तो आर की वैल्यू क्या रखोगे 4, अगर बोला जाए दसवीं टर्म निकालो तो आर की वैल्यू क्या रखोगे 9, तो बेसिकली ये जो नंबर ऑफ टर्म निकाली है यहां पर आर की वैल्यू डिसाइड कर रही है ना कि कौन से नंबर ऑफ टर्म आप निकाल रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आर की कोई भी वैल्यू यहां पर पुट करोगे, आर यहां पर 4 है, तो क्या चौथी टर्म आएगी, नहीं, टर्म कौन सी आ रही है पांचवी, जो R की वैल्यू है उससे एक ज्यादा टर्म आ रही है, अगर 10 पुट करोगे तो कौन सी टर्म आएगी 11वीं टर्म आएगी, अगर 15 पुट करोगे तो 16वीं टर्म आएगी, तो दैट्स व्हाई R की जो भी वैल्यू है यहां पे R प्लस 1 लिखा हुआ है, कि अगर आप R यहां पे 5 पुट कर रहे हो ना तो 5 प्लस 1 6, 36वीं टर्म आ रही है आपके पास,
अगर आर की वैल्यू 7 पुट करें तो 7 प्लस 1 8वीं टर्म आ रही है आपके पास, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्मूले में फॉर एग्जांपल 5 पुट करते हैं, तो यहां पे 5 पुट करोगे, यहां पे 5 पुट करोगे, यहां पे 5 पुट करोगे और यहां पे भी 5 पुट करोगे, तो बेसिकली आर आपने 5 पुट किया, लेकिन नंबर ऑफ कौन सी नंबर ऑफ टर्म आई है आपके पास, 5 प्लस 1 मतलब छठी टर्म आई है आपके पास, और छठी टर्म में आर क्या होगा 5 होगा, ग्यारहवीं टर्म में आर क्या होगा 10 होगा, एक कम होता है। तो दैट्स व्हाई इसकी जनरल टर्म आपको टी आर नजर नहीं आ रही, टी आर प्लस 1 नजर आ रही है, ठीक है, क्योंकि जो आर की वैल्यू है उससे एक ज्यादा टर्म आ रही होती है। तो जनरल टर्म की लेफ्ट हैंड साइड में मैंने आपको पूरी बता दी है, इसको मैं लिखवा देता हूँ जनरलाइज फॉर्मूला, आर प्लस 1 ये हो जाएगा एनसीआर, ये हो जाएगा आर, इसी तरह ये हो जाएगा आर। तो इसको आप कहते हो जनरल टर्म, जिसको हम आर प्लस 1th टर्म भी कहते हैं, आर जैसे nth टर्म आप बोलते थे ना, एन आता है यहाँ पे, इसको आर प्लस 1th टर्म भी आप कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने बातें देख ली। अच्छा उसके बाद हाँ, सिग्मा फॉर्म भी है, ये जो बायनोमियल थ्योरम है ना इसकी एक सिग्मा फॉर्म भी है, कि समीशन फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। समीशन फॉर्म में आप चीजों को कैसे लिखते हो, जनरल टर्म आपको बतानी चाहिए, तो बायनोमियल की जनरल टर्म आपको पता है तो सिग्मा फॉर्म में आसानी से लिख देंगे। तो सिग्मा फॉर्म क्या है इस बायनोमियल की, मतलब ए प्लस बी की पावर एन की सिग्मा फॉर्म क्या होती है। आप स्टार्ट कहां से करते हो, आपने सबसे पहले आर पुट करना होता है, आर आप स्टार्ट करते हो जीरो से लेके कहां तक जाते हो, एन तक जा रहे होते हो, और जनरल टर्म फॉर्मूला क्या है, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, ये जनरल टर्म फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने निकालना है यहां पे ए प्लस बी की पावर 5, तो बस ये क्या कर दो, यहां पे 5 पुट कर दो, यहां पे 5 पुट कर दो, यहां पे 5 पुट कर दो, और अब सिग्मा का जादू स्टार्ट करो। सिग्मा क्या करता है, सबसे पहले आर की वैल्यू 0 पुट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 5c0 a की पावर 5 माइनस 0 b की पावर 0, ये पहली टर्म है, प्लस दूसरी टर्म कैसा है कि r की वैल्यू 1 पुट करो, 5c1 a की पावर 5 माइनस 1 b की पावर 1। तीसरी टर्म कैसा है कि r की वैल्यू 2 पुट करो, 5c2 a की पावर 5 माइनस 2 b स्क्वायर। तो देखो एग्जैक्ट वही टर्म आ रही है जो आपने वहां पे पढ़ी थी, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा a की पावर 5, ये क्या हो जाएगा 5 a की पावर 4 b, फिर ये हो जाएगा 10 a की पावर 3 b स्क्वायर, वही a कम होता जा रहा है, b बढ़ता जा रहा है, और वही जो बायनोमियल कोएफिशिएंट थे वही आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये जो पूरा बायनोमियल कोएफिशिएंट है ना, इसकी जनरलाइज फॉर्म ये है, मतलब सिग्मा की फॉर्म में आप इसको इस तरह भी लिख रहे होते हो, ये पूरी समीशन फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आपको नजर आ रही है, बुक ने हेडिंग बनाई है सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, पार्ट नंबर 1 में नजर आ रही है, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले पार्ट 1 नहीं, पॉइंट नंबर 1 है, पेज नंबर 275 पे क्या कहना चाह रहे हैं जरा उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये जो बाइनोमियल है ना, वो डिस्कस ये करना चाह रहे हैं कि अगर आप NC0 NC जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, अगर आप इनको डिफरेंट फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो कैसे लिखोगे, जरा मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं। इसमें जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं ना बाइनोमियल थ्योरम के जनरलाइज्ड फॉर्म में, उनको जरा हम सिंपलीफाई करते हैं। जो NC0 लिखा हुआ है इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। यहां पे r क्या है 0 है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल। सबसे पहली बात 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इग्नोर कर दो, n माइनस 0 n ही होता है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब इस कोएफिशिएंट की जगह आप 1 लिख दोगे। तो इसी तरह बाइनोमियल थ्योरम जो है ना, इसको जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, ए की पावर है सबसे पहली बात, दूसरा लिखा हुआ है NC1, NC1 को सिंप्लीफाई कैसे करोगे, n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल को तो हटा दो यहां से 1 होता है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे। चैप्टर नंबर 7 में बताया था मैंने कि आप ऊपर को लिखो इस तरह n माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे तो अपनी जगह पर आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ रहा है n आ रहा है। इसका मतलब NC1 को आप क्या लिख सकते हो, जस्ट n लिख सकते हो, तो ये n हो जाएगा a की पावर n माइनस 1 b की पावर है। अच्छा फिर आप सिंप्लीफाई करो NC2, NC2 होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। अच्छा n फैक्टोरियल को लिख सकते हो n माइनस 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, तो पीछे बचेगा n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो तीसरी टर्म उसमें क्या लिखोगे, n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल a की पावर n माइनस 2 b का स्क्वायर। कहने का मतलब यह है कि आप कॉम्बिनेशंस को आसानी से यहां पे सॉल्व कर सकते हो, मतलब आप कॉम्बिनेशन c के फॉर्म में ना लिखो, आप ऑलरेडी उसको सिंप्लीफाई कर दो, और आपको पैटर्न नजर आ रहा है सिंप्लीफाई किस तरीके से आपने करना है। अगर आप ऑब्जर्व करो डिनोमिनेटर में 0 फैक्टोरियल है,
यहां पे n के नीचे 1 फैक्टोरियल है, यहां पे 0 फैक्टोरियल था, यहां पे 2 फैक्टोरियल है, तीसरी टर्म में क्या होगा 3 फैक्टोरियल, चौथी में क्या होगा 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो तीसरी टर्म आप चौथी टर्म में यहां पे लिखता हूं, चौथी टर्म में ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा n, n माइनस 1, n माइनस 2, क्योंकि आप देखो यहां पे n था, यहां पे n n माइनस 1 था, तो चौथी में क्या होगा n, n माइनस 1, n माइनस 2, नीचे क्या होगा 3 फैक्टोरियल, और a में क्या होगा a की पावर n माइनस 3, b की पावर q। तो कहने का मतलब NC0, NC1, NC2 उनको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। सवाल है कि सर जरूरत हमें क्यों पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, जरूरत आपको कब पड़ेगी, कुछ ऐसी, ये जो आपने बाइनोमियल फॉर्मूला कंसीडर किया है इसमें n क्या है भाई, इसमें n 1 के बराबर या 1 से ग्रेटर है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर आप कह लो या नेचुरल नंबर कह लो, कोई भी आप वर्ड बोल सकते हो, लेकिन अगर n नेगेटिव हो जाए, मतलब बाइनोमियल में पावर नेगेटिव आ जाए, बाइनोमियल में पावर फ्रैक्शनल आ जाए, क्या करोगे फिर, क्या इधर कॉम्बिनेशन में नेगेटिव पुट करोगे, सेंस ही नहीं बनेगी। माइनस सी टू, माइनस थ्री सी टू सुना है, माइनस फोर सी फोर सुना है कभी भाई, ऊपर नेगेटिव नंबर की सेंस ही नहीं बनती, तो बेहतर है इन कॉम्बिनेशन को सिंप्लीफाई कर लो। हाँ, यहां पे अगर n नेगेटिव पुट करोगे यहां पे सेंस बन सकती है भाई, n माइनस फोर और यहां पे माइनस फोर पुट कर दो, यहां पे तो सेंस बन रही है, लेकिन यहां पे n जब पुट करोगे तो यहां पे कॉम्बिनेशन में सेंस नहीं बनेगी ना, तो दैट्स व्हाई इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि यार इस फॉर्म में लिख दो जब n आपका नेगेटिव होगा। तो ये बात की चीज है, लेकिन अभी इसलिए करवा रहा हूं कि जो मैंने चीजें डिस्कस की है तो इसी के साथ ही हर बार डिस्कस करें, ये बाय द वे 8.4 का टॉपिक है, तभी मैं इन सबको एक साथ करवा रहा हूं क्योंकि सब ये चीजें इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। तो इसको इस फॉर्म में लिखने से बेहतर आप इस तरह लिख दो जब जरूरत होगी, वैसे आप इसी तरह लिख दो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब जरूरत होगी 8.4 में जब n नेगेटिव है तो फिर आप इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चौथे टर्म पे लिखिए, अब जनरल टर्म पे आते हैं, जनरल टर्म क्या होगी, जनरल टर्म की असल मुश्किल चीज है ना, उसमें लगाते हैं। तो जनरल टर्म आपकी क्या है, जनरल टर्म है एनसीआर। अब एनसीआर को कैसे लिखोगे, हो जाएगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, जरा सॉल्व करते हैं। अब आपने n को एक्सपेंड करते रहना है, n n माइनस 1 n माइनस 2, सवाल है कब तक करते जाओगे, नॉर्मली आप कब तक एक्सपेंड करते हो, फॉर एग्जांपल ये nc2 था, आपने क्या किया था, ऊपर था n फैक्टोरियल नीचे था n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो आपने क्या लिखा था n n माइनस 1 n माइनस 2, आपने देखा हो n माइनस 2 तो नीचे भी है, तो जैसे ऊपर मैच कर गया आप रुक गए वहां पे, इसमें आपने क्या किया था n n माइनस 1 आप रुक गए यहां पे, क्यों भाई नीचे भी n माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो जैसे ऊपर n माइनस 1 आ गया आप रुक जाते हो, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे रहा, आप चलते जाओगे चलते जाओगे, क्योंकि आपको r की वैल्यू नहीं पता ना, अगर r यहां पे 10 है तो आप क्या करोगे, n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 करते करते n माइनस 10 तक जाओगे, फिर n माइनस 1 फैक्टोरियल को नीचे कैंसिल कर दोगे, तो वो तो r की स्पेसिफिक वैल्यू आपको पता है ना, यहां पे तो नहीं पता, जनरलाइज बात करनी है, तो आपने चलते जाना चलते जाना चलते जाना है, ठीक है, कहां पे जाके रुकना है, जब n माइनस आर हो जाए, ठीक है, मतलब जो ऊपर चीज है वही नीचे चीज आ जाए, तो यहां पे फैक्टोरियल लगा दोगे आप, फॉर एग्जांपल r अगर 5 है तो आप n माइनस 5 फैक्टोरियल पे रुक जाओगे, जैसे n माइनस 5 पे रुकोगे फैक्टोरियल लगा दोगे आप, जैसे आप करते जा रहे हो, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। अब देखो इसको हमने कैंसिल कर देना है, ठीक है, लेकिन जनरल टर्म में ना आप कैंसिल कर दोगे तो बच जाएगा n n माइनस और n माइनस 2, हम इस फॉर्म में लिखते नहीं है, हम n माइनस r फैक्टोरियल से पहले वाली टर्म जो है ना उसको भी लिख रहे होते हैं कि यार इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, तो देखो ये वाली टर्म जो है इसमें r आ रहा है, तो इससे पहले वाली टर्म में क्या होगा r माइनस 1, तो इससे पहले वाली टर्म लिखते हैं, तो कंप्लीट में लिखता हूं इस तरीके से n माइनस 1 n माइनस 2, इससे जो पहले वाली टर्म होगी उसमें क्या होगा r माइनस 1, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल r अगर यहां पे 5 कंसीडर करो तो इससे पहले क्या होगा 4, एक कम करोगे ना, तो अगर ये r है इससे पहले क्या होगा r माइनस 1, मतलब आप n से माइनस कर रहे होगे r माइनस 1, तो ये हो जाएगा n माइनस r प्लस 1, तो इससे पहले वाली टर्म जो है ना वो ये होगी, और इसके बाद वाली टर्म क्या होगी n माइनस r फैक्टोरियल, मतलब इससे पहले ये होगी, आप जैसे 1 ऐड करोगे ये वाली टर्म आ जाएगी, जैसे ये n था 1 ऐड इन द सेंस आप गलत ना समझ लो, 1 सबट्रैक्ट करना है आपने, मैंने गलत बात बोल दी, 1 ऐड नहीं सबट्रैक्ट करना है आपने, जैसे ये n था ना 1 सबट्रैक्ट किया n माइनस 1, 1 सबट्रैक्ट किया n माइनस 2, इसी तरह करते करते ये वाली टर्म आएगी, इससे 1 सबट्रैक्ट करोगे n माइनस r आ जाएगा, ठीक है, तो होगा ये कि n माइनस r कैंसिल, जो ये वाली टर्म ऊपर रहेगी अपनी जगह पे, डिनोमिनेटर में क्या होगा डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल होगा, तो ये बच्चों जनरल टर्म की कॉम्बिनेशन की फॉर्म है, मतलब कोफिशिएंट को एनसीआर को आपने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है, फिर क्या होगा ए एन माइनस आर बी की पावर आर और ये है टी आर प्लस में। अब कहने का मतलब ये कि अगर आप बोलो जनरल टर्म में आर की वैल्यू 5 आपको चाहिए तो कोई मसला नहीं है,
नीचे 5 फुट करोगे, यहां पे 5 फुट करोगे, यहां पे 5 फुट करोगे, ऊपर क्या होगा? यहां पे जब 5 फुट करोगे तो -5 + 1 -4, इसका मतलब आपने -4 तक जाना है। तो आप n, n-1, n-2, n-3, n-4, तो मतलब पांचवी जो ट्रम है जब r की वैल्यू आप 5 फुट करोगे बेसिकली वो छठी ट्रम होगी, मतलब r 5 फुट करोगे लेकिन होगी तो वो छठी ट्रम ना, तो उसके अंदर कौन कौन सी ट्रम आ रही होंगी ऊपर, n, n-1, n-2, n-3, n-4, तो जो r की वैल्यू 5 फुट करोगे वो बेसिकली छठी ट्रम होगी, और छठी ट्रम में न्यूमरेटर ये पूरा आ रहा होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा 5 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा a की पावर n माइनस 5 b की पावर 5। तो कहने का मतलब ये कि इस फॉर्म में भी r की वैल्यू 5 फुट करते हैं, लेकिन जब आप सिंप्लीफाई कर लो तो nc5 सिंप्लीफाई होगी, ये हो जाएगा nc5 को सिंप्लीफाई करो ये चीज आ रही होगी, ठीक है। तो ये जो जनरल टर्म है उसको भी आपने सिंप्लीफाई कर लिया, उसको भी आपने लिख दिया, चाहो तो यहां पे मेंशन कर देना ये पूरी चीज जो मैंने लिखी है ना, ये मेंशन कर देना, ठीक है। और आखिरी टर्म जो है उसमें तो वैसे ही एनसीएन है, एनसीएन को सिंप्लीफाई करोगे 1 ही आएगा, तो करते करते सिंपल बी एन आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो मैंने पूरा आपके लिखवाया है ना, ये मैंने कॉम्बिनेशन के बगैर, कॉम्बिनेशन को सिंप्लीफाई करके बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों को करवा दिया। अब इसका फायदा क्या होगा थोड़ी देर बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगी क्या फायदा होगा इसका, और मैंने पूरी जनरल टर्म आपको सिखा दी कि जनरल टर्म कहां से आई है इसकी। अब मजीद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं 8.4 सबके टॉपिक एक साथ ही करवा रहा हूं, तो सब चीजें आपस में कनेक्टेड है। तो एक ऑब्जर्वेशन तो आपको बुक में नजर आ रही होगी, बुक में जनरल टर्म नहीं लिखी, वो 8.4 में बताएंगे, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। दूसरी ऑब्जर्वेशन, दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है 275 पे, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज एन प्लस 1, वो जो मैंने आपको बात बताई थी कि अगर एन है तो कितनी नंबर ऑफ टर्म होगी, एन प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म होगी। तीसरी बात वही स्टार्टिंग और एंडिंग का बताया हुआ है कि NC0 और NCN ये आपस में बराबर है, 1 के बराबर है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग जो इक्वी डिस्टेंस पे कोफिशिएंट है सेम है, जैसे 1 और 1 सेम है, 5 और 5 सेम है, 10 और 10 सेम है, ये उन्होंने बताया है। और जो चौथी चीज है उससे हम एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपने कुछ ऑब्जर्वेशन कुछ पॉइंट मैंने आप लोगों को पहले बता देते हैं, अब कुछ डिडक्शन है जो आप बाइनोमियल थ्योरम से करते हो, वो डिडक्शन क्या है उनको देख लो। डिडक्शन, सबसे पहले डिडक्शन क्या है, देखो अभी जो बाइनोमियल थ्योरम है ना वो a प्लस b की फॉर्म में लिखा हुआ है, अब डिफरेंट फॉर्म में आता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आए 2 + x की पावर 5 इस तरह आ जाए, आपके पास आ जाए 3x + 4y की पावर 6, मतलब a और b कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे a 3x है b 4y है, यहाँ पे a 2 है bx। अच्छा अगर नेगेटिव आ जाए तो आप क्या करते हो, आप इस तरह लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये नेगेटिव आ जाए तो आप इसको इस तरह कंसिडर करते हो 3x + -4y होल पावर 6। कहने का मतलब ये अब आपका a क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा और b क्या हो जाएगा -4y हो जाएगा, आप इस तरह कंसिडर कर रहे हो। तो अगर नेगेटिव आए अंदर तो b को आप नेगेटिव ले लेते हो ताकि फॉर्मूला आपको वही लगे, फॉर्मूला में चेंजिंग ना हो। सेम ही जनरल फॉर्म यूज करोगे आप, ये वाला यूज कर लो, ये वाला यूज कर लो, 8.3 में तो कोई मसला नहीं है, मसला 8.4 में आएगा जब n जो है ना वो के नेगेटिव आ जाएगी, तब मसला होगा, तब आप ये नीचे वाली चीज यूज करोगे, मतलब ये वाला यूज करना पड़ेगा आपको, वरना आप ये भी यूज कर सकते हो, अभी फिलहाल 8.3 में तो कोई इशू नहीं है। तो कहने का मतलब अगर नेगेटिव आए तो b को आप क्या करना, b को नेगेटिव कह देना, ठीक है, और एग्जैक्ट यही फॉर्मूला लगाना, जहां जहां b आ रहा होगा वहां पे आप नेगेटिव पुट करते जाना, जैसे -4 आप पुट कर लेना, बाकी 8.3 जब मैं सॉल्व कर रहा हूं मैंने इस टाइप की चीजें एक्सपेंड करोगे आप तो वहां पे सीख जाओगे आप लोग किस तरह करना है। तो एक तो मैंने आपको ये चीज बताई, अब होगा ये कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं 8.4 में, ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि जिसमें आपके पास मैं बाद में बता दूंगा ये, लेकिन अभी आप समझ लो कुछ ऐसी भी सिचुएशन होंगी जिसमें आपकी कोशिश होगी यार कि जो पहली चीज है इसको बंद कर दो, पहली चीज को बंद कर दो, किस तरह करोगे वो देख लेंगे। जैसे इस वाले में आप 3x कॉमन ले लोगे तो पहली चीज 1 हो जाएगी, वो मैं चला आपको 8.4 में अभी थोड़ी देर बाद इंट्रोडक्शन दूंगा उसका, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो क्योंकि डिडक्शन मैं करवा रहा हूं तो आपको अभी से बता रहा हूं कि कुछ ऐसी सिचुएशन होंगी जिसमें आप कोशिश करोगे कि यार 1 आ जाए बस पहले टर्म में, ठीक है, तो 1 आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो अब जो मैं डिडक्शन आपको बताने लगा ना, ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है इसी में आप क्या करो, a की जगह 1 पुट कर दो और फिर देखो फॉर्मूला क्या आ रहा है, ठीक है, और उस फॉर्मूले को हम 8.4 में यूज कर लेंगे। तो आप क्या करो, ये जो ऊपर फॉर्मूला है ना इसमें a की जगह 1 पुट कर दो और b की जगह हम जनरलाइज बात करते हैं x पुट कर देते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसी सीरीज देखोगे उसमें कांस्टेंट होता है और x आ रहा होता है, ठीक है, उसमें कोई और b इस टाइप की चीजें नहीं आ रही होती, तो वही नोटेशन हम कंसिडर करते हैं जो जनरलाइज बात है। आप b की जगह y भी पुट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन जनरलाइज में आप 1 और x यूज कर रहे होते हो, तो 1 तो वैसे भी यूज करना जरूरत है आपको, आगे जाकर जरूरत पड़ेगी, और यहां पे आपने x यूज कर लिया, ठीक है। तो जब आप ये पुट करोगे तो आपके पास बाइनोमियल थ्योरम क्या होगा, आप पुट कर दो तो ये हो जाएगा 1 + x की पावर n, यहां पे a की जगह 1 पुट करो, 1 की पावर n क्या होता है 1, यहां पे n जो है वो तो अपनी जगह पे आ गया,
ए की पावर ए यहाँ पे वन है बच्चों, तो जहां जहां ए आ रहा है ना तो उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि ए वन है, वन की कोई भी पावर और आंसर वन ही आता है, तो ए को इग्नोर कर दो। पीछे क्या बचेगा, बी, बी यहाँ पे क्या एक्स, तो ये जगह है। फिर एन, एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, अगेन ए को इग्नोर कर दो, बी है यहाँ पे एक्स, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर तीसरी टर्म ये हो जाएगी एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, नीचे आ जाएगा थ्री फैक्टोरियल, तीसरी टर्म में बी क्यूब होगा तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये सिचुएशन आपके पास सारी आ रही है। करते 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 जनरल टर्म लिखते हैं आप, जनरल टर्म क्या होगी, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू अप टू एन माइनस आर प्लस वन तक जाना है आपने, नीचे होगा आर फैक्टोरियल, ए को इग्नोर कर दो क्योंकि ए वन है, बी की पावर आर होगा यहां पे, तो जो आर है ना यहां पे उसको आप इस तरह लिख दो एक्स की पावर आर, क्योंकि बी की जगह आप एक्स पुट करोगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर आर। तो जनरल टर्म में क्या होगा, एक्स की पावर आर, आर फैक्टोरियल, न्यूमरेटर ही होगा। और जो बिल्कुल आखिरी टर्म है उसमें क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन, जो यहां पे पावर होगी वही एक्स की बन जाएगी। तो सेम जो बायनोमियल, अभी देखो कितना इजी वर्जन है, ये आपको अप्लाई करने में बड़ा मजा आएगा। सिंपल, वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, देखो एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, पांचवी टर्म में होगा एक्स फोर एक्स फाइव, काफी इजी हो जाएगा ये। तो ये आपने यहां पर निकाल लिया, ठीक है। तो ये चीज आपने देख ली, एक डिडक्शन तो आपने ये देख ली है। अब जरा दूसरी डिडक्शन यहां पर करते हैं। दूसरी डिडक्शन ये है कि अगर आप इस वाली सीरीज में एक्स की जगह जीरो पुट कर दो तो वही चीज आएगी जो मैंने आपको वहां पर बताई थी। अगर आप यहाँ पे x की जगह पे जीरो नहीं सॉरी वन, यहाँ पे वन पुट कर दो तो ये हो जाएगा वन प्लस वन। x की जगह पे आपने क्या करना है, x की जगह पे यहाँ पे वन पुट कर देना है बस। तो अब आपके पास क्या आएगा, अब आपके पास आएगा वन n, x की जगह वन ही है ना, तो अब n, अब कोफिशिएंट ही आ रहे होंगे बस, टू फैक्टोरियल ये हो जाएगा n, n माइनस वन, n माइनस टू, थ्री फैक्टोरियल, और ये कोफिशिएंट ही बचा रहे आ रहे होंगे क्योंकि x तो आपका वन हो गया पूरा। तो होगा क्या, वन प्लस वन क्या होता है, टू की पावर है। अगर आप ऑब्जर्व करो ना, बायनोमियल कोएफिशिएंट है, बेहतर है आप इस जगह पे पुट करो, आपको ज्यादा बात समझ आएगी। जो ये कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ना एन सी जीरो एन सी वन, इस फॉर्म में फॉर्मूला ज्यादा डिस्कस किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ए और बी की जगह वन पुट कर दो, ए की जगह भी वन बी की जगह भी वन, तो होगा क्या, जस्ट आपके कोएफिशिएंट बन जाएंगे क्योंकि ये तो वन हो जाएगा, ये भी वन ये भी वन, तो आपके कोएफिशिएंट बचेंगे। कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट आप कंसीडर कर लो कि ये जो फॉर्मूला नंबर वन कह देते हैं इसको, तो इसके अंदर आप ए और बी की जगह वन पुट कर दो तो आपके पास क्या होगा, एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू, जिनको आपने सिंप्लीफाई किया था तो ये एन हुआ था, नहीं सॉरी ये वन हुआ था, ये एन हुआ था, ये एन एन माइनस वन जो भी हुआ था, लेकिन सिंप्लीफाई नहीं करे क्योंकि इस फॉर्म में ज्यादातर मशहूर है एन सी थ्री अप टू, करते करते आखिरी टर्म जो होगी एन सी एन होगी। तो वन प्लस वन क्या होता है, टू की पावर एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको कहां तक जाना है, एनसीआर में। तो इस फॉर्मूले को बताया किस तरह जाता है, फॉर्मूले को बताया जाता है कि सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट किसके बराबर होते हैं, टू की पावर एन के बराबर होते हैं, जो मैंने आपको यहां भी बताई थी। जब इन कोएफिशिएंट को आप ऐड कर रहे थे टू की पावर एन आ रहा था ना, जो बाइनोमियल की पावर है वही आप बना दो टू की पावर एन, तो आपके पास बाइनोमियल कोएफिशिएंट के सम आ जाएंगे। तो ये एमसीक्यू भी बड़ा मशहूर है, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है, टू की पावर एन होता है, जो बाइनोमियल की पावर है वो टू की पावर बनाओ तो आपको जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है ना उनका सम मिलेगा। मैंने बताया था बाइनोमियल कोएफिशिएंट और बाकी कोएफिशिएंट में क्या फर्क है, तो ये फॉर्मूला आपको जो बाइनोमियल के कोएफिशिएंट है ना उनका सम देगा। इससे अगली डिडक्शन जो है ना बच्चों, वो मैं आप लोगों को जनरलाइज केस नहीं बता रहा क्योंकि वो मुश्किल है समझाने के लिए। फेडल की बुक में लिखा हुआ है, आप लोगों की बुक में भी शायद लिखा हुआ है, ये शायद है, एक सेकेंड, शायद नहीं है, हाँ आप लोगों की बुक में नहीं है, जीरो वाला केस डिस्कस नहीं किया हुआ है यहाँ पे। फेडरल में है, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं तो मैं जनरलाइज बताता हूं, मुझे समझाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं यहां पे वन प्लस, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि आप एक काम करो, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना आप लोगों के सामने ए प्लस बी की पावर एन, इसमें ए की जगह वन और बी की जगह माइनस वन पुट करो तो ये हो जाएगा वन माइनस वन। और पावर में एन डिस्कस नहीं करना चाह रहा यहां पे, एन में अगेन समझाने का मसला होगा, मैं पावर फाइव डिस्कस करता हूं फॉर एग्जांपल। तो आपने क्या किया, ए की जगह वन पुट किया, बी की जगह माइनस वन पुट किया और पावर फॉर एग्जांपल आपने फाइव पुट की। अब जरा कम क्या बन रहा होगा, ये होगा फाइव सी जीरो फाइव सी वन फाइव सी टू फाइव सी थ्री फाइव सी फोर फाइव सी फाइव। अच्छा आप कहोगे सर ए बी नहीं लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि ए वन है तो ए को तो इग्नोर कर दो भाई, ए वन है, वन की पावर है, वन की पावर माइनस वन कुछ भी खत्म ही हो जाएगा। बी क्या, बी नेगेटिव है यहाँ पे, बी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा,
बी पहले में तो नजर नहीं आ रहा आपको, तो पहले में तो जस्ट आप 5 से 0 कर दो। दूसरी टर्म में अगर देखो तो बी की पावर 1 है, मतलब सिंपल बी है और बी यहाँ पे क्या है नेगेटिव 1, तो दैट्स व्हाई दूसरी टर्म के साथ क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो दूसरी टर्म में नेगेटिव बी की वजह से आ रहा है क्योंकि बी की पावर 1, बी यहाँ पे -1 है, -1 की पावर माइनस होती है। तीसरी टर्म में बी स्क्वायर आ रहा है, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। तीसरी चौथी टर्म में क्या होगा नेगेटिव आ रहा होगा और फिर इसमें क्या आ रहा होगा नेगेटिव आ रहा होगा। तो आप ऑब्जर्व करोगे जब दरमियान में नेगेटिव आता है ना तो ऑल्टरनेट पैटर्न चल रहा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और मुझे असल जो चीज बतानी थी उसको ऑब्जर्व करो, ये हो जाएगा 1 - 1 0, यहाँ पे 0 आ रहा है और राइट हैंड साइड पे ये सब चीजें आपको नजर आ रही है, ठीक है। अब यहां से मैं आपको रिजल्ट बताने के अलावा उस रिजल्ट पे जरा फोकस करना, वो रिजल्ट ये है अच्छा मुझे एकदम से एक बात याद आई है जो मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताया था ना कि एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 बराबर होता है एन प्लस 1 सीआर के, उसको पास्कल रूल कहते हो, ये पास्कल ट्राइंगल था ना उसका पास्कल रूल कहते हो, बुक में नाम भी लिखा है। इसको सिंप्लीफाई करो, नेगेटिव जो है ना उनको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये वाला नेगेटिव उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5c1, ये नेगेटिव है उसको उधर ले जाओ 5c3, अच्छा ये नेगेटिव है -5c5 हो जाएगा 5c5, और आपका लेफ्ट हैंड राइट साइड पे क्या बच जाएगा 5c0 5c2 5c4, तो 5c0 5c2 5c4 जो मुझे बताना है वो अब ये है। कहने का मतलब ये है कि बाइनोमियल में एक होते हैं इवन कोफिशिएंट्स, इवन कोफिशिएंट कौन से होते हैं जो इवन पोजीशन पे होते हैं, फॉर एग्जांपल दूसरी पोजीशन पे, चौथी पोजीशन पे, छठी पोजीशन पे, आठवीं पोजीशन पे, इनको आप बोलोगे इवन कोफिशिएंट। एक होते हैं ऑड कोफिशिएंट, पहली पोजीशन पे, तीसरी पोजीशन पे, पांचवी पोजीशन पे। एक इवन कोफिशिएंट और ऑड कोफिशिएंट समझाने का तरीका ये होता है, और एक जो इवन ऑड कोफिशिएंट बोलते हैं ना वो इसकी वजह से बोलते हैं जो नीचे नंबर लिखा हुआ है, नीचे नंबर यहां पे ऑड लिखा हुआ है। तो मैं ये दूसरी वाली चीज आप लोगों को बता रहा हूं, मतलब ऑड कोफिशिएंट इन टर्म ऑफ इंडेक्सेस, ये जो इसको हम इंडेक्स नहीं बोलो, ये जो लिखा हुआ है ना आर की वैल्यू, मैं उसके रिस्पेक्ट से आपको बोलूं ऑड कोफिशिएंट, क्योंकि दो चीजें आपको नजर आती है, कोई पोजीशन के हिसाब से इवन ऑड कहता है कि यार ये दूसरी पोजीशन का कोफिशिएंट है तो ये इवन है, ये चौथी का है, ये छठी का है, तो इसको इवन कोफिशिएंट बोलते हैं, और इनको ऑड बोल देते हैं कि यार ये पहली पोजीशन क्या है, ये तीसरी पोजीशन क्या है, ये पांचवी पोजीशन क्या है, और कोई जो है ना इन नंबर्स की बिना पे इवन ऑड कहता है कि यार ये ऑड है तो इनको आप बोलते हो ऑड कोफिशिएंट। तो मैं इस रिस्पेक्ट से ऑड यहां पे बोल रहा हूं, तो ये ध्यान में रखना। तो अगर आप ऑब्जर्व करो ऑड कोफिशिएंट जो है यहां पे और जो इवन कोफिशिएंट है उनका सम आपस में बराबर है। आपने इस पूरी बाइनोमियल में ये ऑब्जर्व किया जो इवन कोफिशिएंट्स है, सॉरी जो ऑड कोफिशिएंट्स है और जो इवन कोफिशिएंट्स है उनका सम आपस में इक्वल है, और ये हर बाइनोमियल के अंदर ही होगा। कोई भी बाइनोमियल आपके पास लिखी हुई है ना, जैसे कोई जनरलाइज, आप ये तो मैंने प्रूफ करवाया है ना आपको जनरलाइज बात की, आप कोई भी बाइनोमियल निकालो, फॉर एग्जांपल 4 डिस्कस करते हैं, 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4, आप क्या करना, आप इसका इसका और इसका सम निकालना, ये इवन कोफिशिएंट्स है, बराबर होगा इन दोनों के सम के, ये ऑड कोफिशिएंट है। किसी भी बाइनोमियल में आप ये बात ऑब्जर्व करोगे जो इवन कोफिशिएंट्स है उनका सम बराबर होगा हमेशा ऑड कोफिशिएंट के, निकाल के देख लेना है, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला कैसे आएगा, अगर आप इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को ऐड करो, मतलब इसमें भी 5 वाला केस डिस्कस करो, n की जगह 5 पुट कर दो, और इन दोनों इक्वेशन को अगर आप आपस में ऐड करो ना तो आपके पास इनका सम करने का फॉर्मूला आएगा ये, और सेम फॉर्मूला इसका भी होता है, जैसे सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, तो सम ऑफ इवन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होगा, जस्ट इवन कोफिशिएंट का सम किसके बराबर है 2 की पावर n - 1 के बराबर है, और यही फॉर्मूला ऑड कोफिशिएंट के लिए भी होगा कि सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल, उनका फॉर्मूला भी ये होगा 2 की पावर n - 1। तो ओवरऑल कोफिशिएंट का फॉर्मूला ये है, और इवन कोफिशिएंट को सम करना है या ऑड कोफिशिएंट को सम करना है, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होगा 2 की पावर n - 1। एक फॉर्मूला आपने देख लिया, और मैंने बताया फॉर्मूला कैसे आएगा, अगर आप इसमें n की जगह 5 पुट करो और इसमें इन दोनों को अगर आप आपस में ऐड करो तो ऑब्जर्व करोगे यही फॉर्मूला बन रहा होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपकी हो रही होगी 2 की पावर 5 - 1 ये हो रही होगी, और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या लिखा होगा, राइट हैंड साइड पे या तो इवन कोफिशिएंट आ रहे होंगे, ऑड कोफिशिएंट कैंसिल हो जाएंगे ना प्लस नेगेटिव, तो इवन कोफिशिएंट राइट हैंड साइड पे आ रहे होंगे, तो इवन कोफिशिएंट का सम किसके बराबर आ जाएगा 2 की पावर 4 के, मतलब 2 की पावर n - 1 के। तो मैंने बताया था जो इवन कोफिशिएंट का सम है वही ऑड का है, तो जो इवन का फॉर्मूला होगा वही ऑड का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला भी आपने देख लिया। तो एक बड़ी डिडक्शन थी, ये भी मैंने आप लोगों को सिखा दी।
अभी क्या बच्चों आखिरी टॉपिक है 8.3 का, वो है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। तो बच्चों याद रखो, अगर आपके पास एक बाइनोमियल लिखा हुआ हो और उसमें जो n है अगर ये इवन हो, अगर n जो है वो इवन है तो आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो क्या आएंगी, ऑड आएंगी। अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, ऑड। मतलब फॉर एग्जांपल अगर पावर यहां पे 10 है तो कितनी टर्म्स होंगी, 11 टर्म्स आएंगी। पावर 15 है तो कितनी नंबर ऑफ टर्म आएंगी, सॉरी अगर पावर 20 है तो कितनी नंबर ऑफ टर्म आएंगी, 21 आएंगी। तो अगर पावर इवन है तो कितनी नंबर ऑफ टर्म आती है, ऑड नंबर ऑफ टर्म आती है। तो याद रखना अगर आपके पास ऑड टर्म्स लिखी हो ना तो मिडिल टर्म आपके पास एक ही होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं आपके पास 10 टर्म है, नहीं सॉरी इजी के डिस्कस करते हैं, आपके पास 5 टर्म है। कंसीडर कर लो 5 टर्म कुछ भी है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, ये 5 आपके टर्म है। तो जब नंबर ऑफ टर्म ऑड होती है ना तो मिडिल टर्म आपके पास एक ही आ रही होती है, आप आसानी से मिडिल टर्म निकाल लेते हो। इसी तरह अगर नंबर ऑफ टर्म 7 हो जाए फॉर एग्जांपल तो मिडिल टर्म एक ही आ रही है आपकी वाली। तो जब n इवन होता है आपको पता है नंबर ऑफ टर्म ऑड आएंगी तो एक ही मिडिल टर्म होगी। तो जब n इवन है तो आपके पास एक ही मिडिल टर्म है। और अगर आपने मालूम करना हो कि उसकी पोजीशन क्या है, पांचवी छठी दसवीं क्या है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस टू अपॉन टूथ टर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा हुआ हो, अगर आपके पास लिखा हो कि a प्लस बी की पावर 7, नहीं ये तो ऑड हो जाएगा, a प्लस बी की पावर 8, तो आपको पता है 8 एक इवन नंबर है, कितने नंबर ऑफ टर्म होंगी, 9 नंबर ऑफ टर्म होंगी। अगर आप वैसे सोचो ना तो 9 अगर टर्म्स हैं तो 4 इस तरफ 4 इस तरफ, दरमियान वाली मिडिल होगी, मतलब पांचवी टर्म जो है मिडिल होगी अगर आप खुद सोचो। लेकिन फॉर्मूले से भी आप मालूम कर सकते हो, किस तरह करोगे, फॉर्मूला है एन प्लस टू अपॉन टू, एन यहां पे 8 है तो 8 प्लस टू अपॉन टू क्या हो जाएगा 10, 10 अपॉन 2 क्या होता है 5th, इसका मतलब 5th टर्म जो है वो यहाँ पे क्या होगी, मिडिल टर्म होगी। तो कभी आपको सवाल में बोला जाएगा ना मिडिल टर्म मालूम करो, तो आप सिंपल अगर n इवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, आप मालूम करोगे मिडिल टर्म कौन सी नंबर ऑफ टर्म है, पांचवी है छठी है सातवीं है। जैसे ही आपको पता जाएगा सातवीं है आप जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर सातवीं टर्म मिडिल है तो आर की वैल्यू आप 6 पुट करोगे आपके पास सातवीं टर्म आ जाएगी। और अगर आपके पास n ऑड हो जाए तो आपको पता है अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगी, इवन आएंगी। फॉर एग्जांपल अगर n की पावर 7 है तो आपको पता है नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, 8 होंगी। और अगर नंबर ऑफ टर्म इवन है तो अब 2 मिडिल टर्म होती है, फॉर एग्जांपल 8 टर्म बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 टर्म है उसमें कोई मिडिल नहीं होता तो फिर आप क्या करते हो, 3 इस तरफ करो 3 इस तरफ करो, दरमियान के दोनों टर्म जो है उसको आप मिडिल टर्म कहोगे। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो आपके पास 2 मिडिल टर्म आती है, और नंबर ऑफ टर्म इवन कब होंगी, जब n ऑड है, ठीक है। तो अब दोनों मिडिल टर्म मालूम करने का फॉर्मूला क्या होगा, पहली मिडिल टर्म मालूम करने का फॉर्मूला होगा n प्लस 1 अपॉन 2, और दूसरी मिडिल टर्म मालूम करने का फॉर्मूला होगा n प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे 7 है तो टोटल 8 टर्म आ रही है ना, तो 3 इस तरफ करो चौथी और पांचवी ये मिडिल टर्म होगी, फॉर्मूले से भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहली मिडिल टर्म आएगी 7 प्लस 1 अपॉन 2, तो देखो चौथी टर्म आ रही है। अच्छा दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरी टर्म के लिए 7 प्लस 3 अपॉन 2, तो ये 5th आ रहा है, तो दूसरी मिडिल टर्म क्या होगी, 5th टर्म होगी। तो रिजल्ट ये है कि बच्चों जब n इवन है तो आपके पास एक मिडिल टर्म आएगी, निकालने का फॉर्मूला ये होगा, और अगर n ऑड है बाइनोमियल के अंदर तो आपके पास 2 मिडिल टर्म आएंगी। दोनों की पोजीशन मालूम, ये उन टर्म को निकालने का फॉर्मूला नहीं है, पोजीशन मालूम करने के। तो आप दोनों की पोजीशन इस तरह मालूम करोगे और उसके बाद आसानी से निकाल लोगे।